स्टैटिस्टिक्स है बेसिकली, जो इन्वायरमेंटल है और फॉरेस्ट्री रिसर्च की में जो स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं, इसमें थोड़ा सा जेनेसिस ये है कि हम लोग इस चीज को पढ़ते क्यों है, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोग तो इन्वायरमेंटल साइंस के हैं, तरह तरह की इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज, पॉल्यूशन से चीजें, वेस्ट मैनेजमेंट से चीजें, उन लाइफ स्टाइल्स को डील करते हैं पोल्यूशन से रिलेटेड, तो अल्टीमेटली स्टैटिस्टिक्स की क्या जरूरत है या रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्या जरूरत है? इस प्रश्न का उत्तर जितना ही देखने में कठिन है उतना ही आसान है। सिंपल सा है कि हमारा एक जो पर्पज है स्टैटिस्टिक्स पढ़ने का, सिंपल सा इंटेंशन है कि जो एक डेटा जो आपके पास आता है, जिसको कि हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं, उस इंफॉर्मेशन को थ्रू डेटा एनालिसिस के द्वारा जो उसमें हिडन एस्पेक्ट है, जो जो उसमें छुपी हुई चीजें, जो उसमें निहितार्थ है उसका, उसको हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। किसके द्वारा? डेटा कलेक्शन के द्वारा और डेटा एनालिसिस के द्वारा। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली इज ए सब्जेक्ट विच डील्स द डेटा एंड डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस प्रोटोकॉल टू डिराइव द हिडन इंफॉर्मेशन कॉन्टेन्ड इन द डेटा। बीच में हम लोग बात करेंगे कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है। सो वी डील एक्सपेरिमेंट्स, फॉरेस्ट्री का भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है, इन्वायरमेंटल साइंस का भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है, नॉट ओनली फॉरेस्ट्री एक्सपेरिमेंट, एंड दिस इट इज इंक्लूडिंग टू द बॉटनी ऑल्सो, इन सम केसेस टू द इंजीनियरिंग ऑल्सो, एग्रीकल्चर ऑल्सो, सोशल साइंस ऑल्सो। सो स्टैटिस्टिक्स हैज ए वास्ट थिंग्स, वास्ट डोमेन वेयर इट कैन बी अप्लाइड, एंड ये इसलिए अप्लाई होता है कि जो फॉरेस्ट्री के या जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनमें जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट हमको पता नहीं होता, पहले पता नहीं होता। जैसे हम लोग मैथ का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एक्सपेरिमेंट है बच्चों के लिए, सोचिए। अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट कहूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं किसी छोटे से बच्चे को बोलूं कि 4 × 100 कितना होता है, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, उसका जवाब 100 है, उसमें वो आप जवाब बताएं, मैं जवाब बताऊं, कोई भी बताए, 4 × 100 = 400, ये आंसर फिक्स है। इस तरह के आंसर जिस एक्सपेरिमेंट के आंसर पहले से ही फिक्स हैं या पहले से जाने जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हम लोग इसको पहले से डिटरमाइन कर सर, पाए। ये इसका ग्रेट। यस सो वी सर वर टॉकिंग गुड। कि डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो एक बड़ा सिंपल सा उसका एक डेफिनेशन है कि जो भी एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट आने से पहले आपको पता हो, उस एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स। जैसे आप लोग जब NaOH का सोल्यूशन बनाते हैं, तो आपको पता है कि NaOH का यदि एक्स अमाउंट है, वाई यदि OH का अमाउंट है, तो NaOH का सोल्यूशन कितना बनेगा, केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट। इसी तरह से फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं कि यदि आप लोग मैग्नेट मूव करेंगे तो एनर्जी आएगी आएगी, इस तरह की जो चीजें होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिस्टिक एक्सपेरिमेंट। इसमें प्रायर कंडक्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यू आर अवेयर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव। लेकिन आपको यदि मैं ये बोलूं कि आप चले जाइए, जहां पे भी हो आप घर से बाहर जाइए और आज जरा देखिए कि बारिश होगी, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, और कल बारिश होगी कि नहीं होगी, आप नहीं बता सकते। या मैं ये कहूं कि आज जरा बाहर जाइए और बताइए कि जो पोल्यूशन है आज बाहर, वो कल के पोल्यूशन से कम है, ज्यादा है, या कितना उसका पोल्यूशन का लेवल है, तो आपको ये कॉन्क्रीट सा आंसर नहीं मिलता है। आपको पता है कि कल यदि 12 PPM था, तो आज हो सकता हो कि 11.5 PPM हो या 13.6 PPM हो गया हो। आपको इस तरह की चीजों के बारे में पहले से पता नहीं होता। या मैं ये बोलूं कि आप एक सीड रखिए अपने पास और उसको आज जर्मिनेट कराने के लिए अर्थ में डाल दीजिए, और मैं ये बोलूं कि 15 दिन के बाद ये सीड जर्मिनेट होता है, तो आप ये नहीं बता सकते कि 100 सीड डाले हैं तो कितने सीड जर्मिनेट होंगे। आप इस तरह की जब चीजों को हम लोग नहीं बता पाते हैं, तो हम लोग इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को वी कॉल इट एज अ रेंडम एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट्स में, इस एक्सपेरिमेंट की जो खासियत है, जो जो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स के अलग है, कि इसमें आपका जो आउटकम है वो आपको पता तो रहता है, लेकिन सेट ऑफ वैल्यूज पता रहती है, उसमें से कौन सी वैल्यू आएगी ये आपको पता नहीं। तो आपको पता तो है कि कल बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन कल होगी कि नहीं होगी ये आपको पता नहीं। तो इसको बोलते हैं कि जब किसी प्रोबेबल आउटकम जो कैंडिडेट्स हैं, उनमें से किसी एक के आने के चांस की बात करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट।
तो जो भी एक्सपेरिमेंट स्टैटिस्टिक्स में जो डील होता है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट डील होता है। अब आप लोग अपने सब्जेक्ट को देखिए, इन्वायरमेंटल साइंस को देखिए, पोल्यूशन लेवल का मैंने एक एग्जांपल दिया। आप ये नहीं बता सकते कि कल आपके घर से वेस्ट कितना जनरेट होगा, और यदि वेस्ट जनरेट हो रहा है तो उसमें सबके कंपोजिशन कितने कितने हैं, आप ये डेली बेसिस पे पहले से प्रेडिक्ट करके नहीं बता सकते। आप ये नहीं बता सकते कि कल यदि आपको आप अपना जो लेजर टाइम है कैसे पास करेंगे, इतना सेट चीजें हो नहीं पाती हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारे पास ऑप्शन है, मोबाइल ऑप्शन है, सोशल ग्रुप ऑप्शन है, टीवी ऑप्शन है, हम इनमें से कुछ भी कहिए, आप घूमने चले जाएंगे, दोस्तों से गप मारेंगे, लेकिन क्या करेंगे एग्जैक्टली कल 11 बजे ये आपको पता नहीं है। ये मत कहिएगा कि कल मेरी क्लास है तो मैं क्लास करूंगा, मैं एक अलग से एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो स्टैटिस्टिक्स डील्स ओनली दोज एक्सपेरिमेंट्स विच डज नॉट हैव द फिक्स्ड आउटकम, जिसका रिजल्ट प्रायर कंडक्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट पता नहीं होता, तो हम लोग उसको स्टैटिस्टिक्स के थ्रू डील करते हैं। और चूंकि आपका जो इन्वायरमेंटल साइंस है उसकी एक्सपेरिमेंट्स, बहुतायत एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो उसके रिजल्ट पहले से पता नहीं होते, इसलिए हम लोग उसको स्टैटिस्टिक्स के थ्रू डील करते हैं। दिस इज वेरी सिंपल थिंग कि हम लोग इस कोर्स को पढ़ते क्यों हैं, और चूंकि हमें हिडन इंफॉर्मेशन निकालना है डेटा से, इसलिए हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहे हैं। आई थिंक दैट इट इज क्लियर टू यू ऑल। किसी का कोई इश्यूज इसमें है तो वी कैन डिस्कस। सो आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट। अब ये देखिए, मेजरमेंट इन फॉरेस्ट करते हैं, या आप बाहर चले जाइए, मेजर है कि हमें बीच का जो एक्सपेरिमेंट है स्क्रू गेज के थ्रू हम लोग मेजर करना चाह रहे हैं पत्तियों की मोटाई। वी आर ट्राइंग टू मेजर द थिकनेस ऑफ द लीव्स, एंड आई एम डैम श्योर दैट यू विल बी एग्री टू मी कि आप यदि उस एक ही पेड़ के अलग अलग पत्तियों का मेजरमेंट लेंगे थिकनेस, तो थिकनेस में बहुत ही माइनूट चेंजेज होगा। तो इसका मतलब है कि ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। द सेम वे ये सॉयल्स के सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, और सॉयल में जो सॉयल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट एनपीके आप लोग जानते हैं, तो न्यूट्रिएंट यदि हम लोग सॉयल के सैंपल्स एक ही फॉरेस्ट में, बल्कि एक ही ट्री के कैनोपी के नीचे से यदि हम लोग सैंपल्स कलेक्ट करें तो भी उसके न्यूट्रिएंट सेम नहीं होते हैं। तो इस तरह की जो वेरिएबिलिटी होती है, उस तरह की वेरिएबिलिटी जहां पे हो रही है वहां पे हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहे हैं। तो देर आर एन नंबर ऑफ वेज, एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जहां पे कि हमें स्टैटिस्टिक्स को यूज करने की जरूरत है। अब इन सबों के बाद आपके दिमाग में बड़े से क्वेश्चंस आते होंगे। क्वेश्चंस ये है कि पूरे कंट्री में जो है ये पोल्यूशन का लेवल कैसे कितना है, ये मेजरमेंटल प्रॉब्लम है, आपको मेजर करना है। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है। आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ वी कैन मिनिमाइज द वेस्ट विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन हल्द्वानी सिटी। आपको बस पॉपुलेशन पता है, पॉपुलेशन के पता होने से आपको पता नहीं हो जाएगा कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है। वेस्ट तो कई चीजों से जनरेट होता है, हम लोग क्या खाते पीते हैं उससे जनरेट होता है, हम लोग किस तरह की चीजों को यूज कर रहे हैं, कितना थ्रो कर रहे हैं, इसके पे डिपेंड करता है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है उस वेस्ट को प्रोड्यूस करने की इंपॉर्टेंट अवयव क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है, इसको भी स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आप बता सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि हम लोग कौन सा हम लोग ट्रीटमेंट लगाएंगे जिसकी वजह से घरों में, या कौन सी हम मशीन लगाएंगे जिसकी वजह से घरों में एयर पोल्यूशन कम हो जाए, या घरों में हम लोग किस किस तरह की विंडोज बनवाएं जिससे कि घर के अंदर इंडोर इन्वायरमेंट, इंडोर एयर पोल्यूशन जो है वो मिनिमाइज हो जाए। हम लोग किस तरह के चूल्हे का यूज करें अपने गाँव में, माउंटेन्स के गाँव में, जहां से कि चूल्हों से जो प्रोड्यूस हो रही है, जो गैस निकल रही है, जो 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 अनबर्न्ड उट की वजह से जो, या इनकम्प्लीट कम्बस्टन की वजह से जो इमिशन हो रहा है वो इमिशन कैसे मिनिमम हो जाए। तो बहुत सी चीजों का हम लोग जवाब दे पाते हैं स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ वुड ऑफ साल्ट ट्रीज, हम इसका जवाब स्टैटिस्टिक्स के थ्रू बता सकते हैं। व्हाट इज द फर्टिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट फ्लोर, हाउ मेनी लीव्स इन अ ट्री, बाय सिंपल सा क्वेश्चन दिखता है कि कितने पत्ते होते हैं एक ट्रीज में, कैसे पता लगेगा। आपके पास जवाब होगा कि हम तो सब काउंट कर लेंगे, यस यू कैन डू दिस, लेकिन मैं ये बोलूं कि आपको 50 ट्रीज में हर ट्रीज में नंबर ऑफ लीव्स बताने हैं तो ये मैनुअली डिफिकल्ट टास्क है, तो उसको स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कर सकते हैं। डू द नंबर ऑफ लीव्स ऑन ए ट्री ऑफ ए स्पीसीज इन द सेम फॉरेस्ट विद द सेम एज रिमेन सेम, नो। आप देखे होंगे पत्तियां अलग अलग साइज की होती हैं, एक ही ट्रीज में पत्तियां अलग अलग साइज की होती हैं, तो इसको आप कैसे बताएंगे। इस चीज इस प्रोसेस को समझने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा आपको। तो जो इस तरह की जो चीजें हैं
और आपके दिमाग में कई और इस तरह के प्रश्न आते हैं कि जो वैक्यूलर पोल्यूशन है इसको मिनिमाइज करने का तरीका क्या है, कौन सी इक्विपमेंट हम उसमें फिट कर दें, मतलब तरह तरह की इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, उस इक्विपमेंट को फिक्स करने से किस तरह से पोल्यूशन लो होगा। या मैं कल को ये बात हो रही है कि अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल आने वाला है, एथलान मिक्स पेट्रोल आने वाला, पेट्रोल है डीजल है, कितना इमिशन हो रहा है इन समोसे आपके शहर में, कैसे मेजर करेंगे? या आपके आपको ये पता लगाना है कि जो पोल्यूशन कॉजिंग एलिमेंट्स है दैट इज अ व्हीकल, हाउ मेनी व्हीकल प्रेजेंट इन योर सिटी, हाउ यू विल नो इट। सोल्यूशन तो है, बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप जाइए और कहिए कि हम तो देखिए हमारे पास तो इफ्रास समय है और इफ्रास आई कैन डिवोट टाइम एंड आई कैन पुट माय मैन पावर एंड आई विल डू दिस सर्वे फॉर द नेक्स्ट 10 मंथ एंड आई विल टेल यू, दिस इज वन सोल्यूशन। लेकिन चूंकि आप लोग साइंस के पार्ट हैं, साइंस डिसिप्लिन के लोग हैं, तो हर चीजों के हर प्रश्न का आंसर जो है उसको साइंटिफिक वे से देने का चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो साइंस दो चीजों को भी बताती है, मतलब दो या इन जनरल जो नॉलेज होता है, जो साइंस के थ्रू नॉलेज जो जनरेट होता है या जो नॉलेज जो आप चाहते हैं उसका दो ही प्रोसेस है। एक तो यह कि आप चीजों को डिस्क्राइब कर दें, आप बता दें कि वहां पर 517 नंबर ऑफ टू व्हीलर्स हैं और 334 कार्स हैं और 112 ट्रक्स और बसेस हैं, इस तरह का आप इंफॉर्मेशन बता दें। तो ये डिस्क्रिप्शन होता है नॉलेज में, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव नॉलेज। दूसरा एक होता है नॉलेज जिसमें होता है कि हम लोग शुड बी की बात करते हैं, हम लोग नॉर्मेटिव साइंस बोलते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो नॉलेज जो है जनरेट करने का रेंडम एक्सपेरिमेंट्स के केस में स्टैटिस्टिक्स एक माध्यम है जो कि आपके तरह तरह के जो क्वेश्चन हैं, जो क्रिएटिविटी है आपकी, उसका आंसर देने का प्रयास करता है। आई मीन टू से दिस वन। सो अब ये बात है कि जब रेंडम प्रोसेस है, जब आपके एक्सपेरिमेंट्स रेंडम है जिसमें आउटकम पता नहीं है, तो आप इस अनसर्टेनिटी में चीजों को बताएंगे कैसे? कैसे आपको पता लगेगा कि नेक्स्ट बैच में आपके यहाँ पे 300 से ज्यादा लड़के ज्वाइन करने वाले, कैसे पता लगेगा? ये तो रेंडम है सब। इसको भी आंसर देने का प्रयास जो करते हैं उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स के थ्रू करते हैं। और ये प्रोसेस जो इन्वॉल्व होता है वो प्रोसेस टू प्रॉन्ग्ड है। इन वन पार्ट वी आर गोइंग टू कलेक्ट द डेटा एंड सेकेंड पार्ट वी आर गोइंग टू एनालाइज द डेटा। केवल दो चीजें हैं एक्सपेरिमेंट्स के केस में या कोई इंफॉर्मेशन जनरेट करने के केस में, पहले हमें डेटा कैसे कलेक्ट करना है और कैसे हमें डेटा एनालाइज करना है। जैसे मान लीजिए आप सभी लोग इतने लोग हैं और मैं बोलूं कि जो पहले सो जो एक मेरे पास एक लिस्ट आ रही है आप सभी लोगों के नाम की, और मैं बोलूं कि पहले 10 बच्चों का मैं केवल बात करूंगा कि 10 बच्चों का क्या क्या किस तरह से इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में उनको इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में उनकी परसेप्शन है। तो आप लोग में से कुछ लोग बोलेंगे कि पहले 10 लड़के जो थे वो लोग तो इन्वायरमेंटल साइंस के डिसिप्लिन के हैं, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो आप जनरेट करेंगे वो गलत हो जाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर साइंस के बच्चों से आपने बात नहीं किया, आपने बॉटनी के बच्चों से बात नहीं किया, आपने इंजीनियरिंग के बच्चों से बात नहीं किया। तो यस इट इज रॉन्ग, दैट मीन्स डेटा कलेक्शन का भी एक साइंटिफिक वेज होना चाहिए जो कि आपके पूरे के पूरे पॉपुलेशन को एक रिप्रेजेंटेशन दे पाए। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा ये हम लोग डेटा कलेक्शन मेथड्स के थ्रू इंश्योर करते हैं। तो डेटा कलेक्शन का पार्ट ये है। या आपने 10 लोगों का जो परसेप्शन लिया उनमें से आप उन 10 का मिला के एक स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हैं, तो आपको फिर डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको सेंट्रल वैल्यू की तरफ जाने पड़ेगी कि आउट ऑफ 10 कितने लोगों ने सोचा कि यस एनवायरमेंटल साइंस हैज ए ह्यूज स्कोप। तो आई कैन पुट ए जनरलाइज स्टेटमेंट कि 83% स्टूडेंट्स ऑफ उत्तरांचल ओपन यूनिवर्सिटीज फेवर्स दैट एनवायरमेंटल साइंस हैज ए ह्यूज स्कोप। तो ये जो चीजें दोनों चीजें जो मैं बोल रहा था, ये डेटा कलेक्शन और डेटा कलेक्शन के बाद डेटा जो आया उस डेटा का एनालिसिस करते हैं। तो बेसिकली 2 प्रोटोकॉल होता है स्टैटिस्टिकल मेथड में, डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस। अब इन जनरल वेरी साइंटिफिक डिफिनीशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स अलाउ यू टू इवेल्युएट क्लेम्स बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव एविडेंस एंड असिस्ट यू डिफरेंशिएट बिटवीन द रीजनेबल एंड ड्यूबियस कंक्लूजन। तो वही बात मैं कह रहा था कि जो शुरू में मैंने 10 लोगों का जो सैंपल लिया था उसमें आप लोग ही बोलेंगे कि जो आपने कंक्लूड किया, सिंस इट इज नॉट गोइंग टू कंसीडर ऑल सॉर्ट ऑफ वेरिएबिलिटी व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर क्लास एज वी हैव
स्टूडेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, वी हैव स्टूडेंट फ्रॉम बॉटनी बैकग्राउंड, वी हैव स्टूडेंट फ्रॉम मैथमेटिकल बैकग्राउंड, वी हैव स्टूडेंट फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, तो उन सारे लोगों का परसेप्शन आपके पास नहीं आया, तो ये डुबियस कंक्लूजन है। तो स्टैटिस्टिक्स इस डुबियस सिटी को भी मिनिमाइज करने का प्रयास करती है, तो इसीलिए स्टैटिस्टिकल साइंस की को बहुत ही वैलिड देते हैं। अब जब स्टैटिस्टिक्स आपने देख लिया, तो ये डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन, मैंने एक नया टॉपिक उसमें ऐड किया। लेकिन डेटा कलेक्शन होता क्या है? डेटा कलेक्शन दो तरह से होता है। एक हम लोग डेटा कलेक्शन करते हैं सर्वे के थ्रू, और एक डेटा कलेक्शन करते हैं डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के थ्रू। दोनों में डिफरेंस है। सर्वे का करने का एक पर्पज ये होगा कि सर्वे का मतलब आपके शहर में वीकली कितने पोल्यूशन लोड है एट द टाइम ऑफ जब लोग कमूट करते हैं, सुबह में 9 बजे, शाम को 5 बजे जब ऑफिस क्लोज होते हैं, और एक दिन के समय में। तो ये रोज डेटा अवेलेबल है आपके शहर में। आप रोज सुबह 9 बजे जाइए, 2 बजे जाइए और 5 बजे जाइए, रोज डेली, और उसका डेटा कलेक्ट करके चले। या आपके पास इक्विपमेंट होगा, गैस एनालाइजर, CO2 गैस एनालाइजर, या कोई भी इक्विपमेंट जो होगा उसके थ्रू आप इसको सेंसर बेस्ड आप इसका इवेल्यूएशन वैल्यूज एस्टिमेट कर लीजिए। इस तरह का जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं सर्वे सैंपलिंग। अब दूसरा हुआ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। मैं ये बोल रहा हूं कि आपके पास में जो शहर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है और लोग परेशान है कि यहां तो बहुत पोल्यूशन हो गया, क्या किया जाए, तो गवर्नमेंट ने या किसी जो गवर्नेंस मैकेनिज्म के लोग हैं, रेगुलेटरी बॉडी के लोग, उन लोगों ने कहा कि आगे से ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट चलेगा। जो ऑड गाड़ियां हैं वो चलेंगी मंडे को, और ट्यूसडे को इवेंट वाली चलेगी, तो उससे पोल्यूशन लोड कम होने की आसार हैं। तो आपने अब एक्सपेरिमेंट प्लान करना शुरू कर दिया, आपने एक्सपेरिमेंट अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया। अब आप और आपका इंटेंशन ये है कि मैं ये देखूं कि ऑड और इवन का जब मैं कॉन्सेप्ट ला रहा हूं तो क्या पोल्यूशन लोड कम हो रहा है क्या इन दोनों के बीच में। इस तरह का केस जिसमें कि आप अपने स्टडी को डिजाइन, अपने स्टडी को प्लान करते हैं, वो आता है डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के परव्यू। मोर साइंटिफिकली यदि इसका डेफिनेशन देखा जाए, तो मोर साइंटिफिकली ये है कि जब नेचुरली कोई ऑब्जर्वेशन अकर कर रहा है, उस नेचुरली ऑब्जर्वेशंस को आप यदि मेजर करना चाह रहे हैं, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन जनरेट करना चाह रहे हैं, तो यू आर इंटरेस्टेड टू गो विद द सर्वे सैंपलिंग। जैसे फॉरेस्ट में कितने नंबर ऑफ ट्रीज है, आप जो आपका कोई भी सिटीज है, उस सिटीज में इंडोर एयर पोल्यूशन कितना है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, आप जाएंगे और आप उसको मेजर कर लेंगे। लेकिन आपके केस में किसी ऐसे केस में कि एक कोई लोकेलिटीज है, वहां पे 3-4 तरह के एयर प्यूरिफायर मार्केट में आ चुके हैं, और आपने वो एयर प्यूरिफायर लगा दिया है वहां पे, और आप ये बताना चाह रहे हैं कि इन चारों एयर प्यूरिफायर में और नेचुरल कंडीशंस में कौन सी चीज बेहतर है, वेदर प्यूरिफायर इज बेटर और नेचुरल इज बेटर। तो आपका इंटरेस्ट बेसिकली एक नए पॉपुलेशन को कंस्ट्रक्ट करने का है। आप एक नया पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, आपने वहां पे एयर प्यूरिफायर लगाया है और अपने हिसाब से अपने डेटा को जनरेट करने का प्रयास कर रहे हैं बेस्ड ऑन द योर एयर प्यूरिफायर। तो ये आप एक डिजाइन कर रहे हैं। इस डिजाइन करने के बाद जो डेटा कलेक्ट होता है, उस डेटा कलेक्शन के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। सो वंस योर इंटरेस्ट लाइज विद द नेचुरल अकरिंग पॉपुलेशन, then you are interested for the survey sampling, and once you wish to construct the population as per your inquiry, you are interested with the design of experiments. ये चीजें। then you comes to the data analysis. data analysis से पहले चीजों को समझने की जरूरत है। data analysis में पहले data की बात करते हैं। तो data एक variable पे आप काम कर सकते हैं, दो पे कर सकते हैं, या दो से ज्यादा को कर सकते हैं। statistics इसको ऐसे divide करता है। univariate एक वाले को बोलते हैं जिसमें आप एक वेरिएबल की स्टडी करना चाहते हैं, दैट इज नोन एज द यूनिवेरिएट एनालिसिस। जब आप दो वेरिएबल्स को एक साथ स्टडी करना चाहते हैं उसको बोलते हैं बाईवेरिएट एनालिसिस, और जब दो से ज्यादा को एक साथ स्टडी करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस। मैं एक साथ पे जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि बाईवेरिएट का मतलब दो वेरिएबल्स होता है, तो एक वेरिएबल तो यूनिवेरिएट है, दूसरी वेरिएबल भी यूनिवेरिएट है, लेकिन उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को हम लोग देखना चाहते हैं, उन दोनों के बीच के किसी चीज को कंपेयर करना चाहते हैं। तब जब हम लोग ज्वाइंटली चीजों में इंटरेस्टेड हो जाते हैं तब हम लोग उसको बाईवेरिएट बोलते हैं। अदरवाइज एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो यूनिवेरिएट का केस। तो इसके बाद में जो आपके पास आता है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप कभी कभी 2-4 हुए होंगे आप लोग,
एक होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, जिसमें आप लोगों को बताया जाता है साइंटिफिक वर्ड्स, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्सन, दैट वी कॉल एज द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। देन सेकेंड कम्स रिलेशनशिप एनालिसिस, जिसमें कि हम लोग चीजों को रिलेट करते हैं, दैट इज बेसिकली कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो मैं बीच बीच में आपको इसको डिटेल भी करूंगा आज और कल में। देन थर्ड कम्स द मल्टीपल मल्टीवेरिएट एनालिसिस, जिसमें कि हम लोग तरह तरह के मल्टीवेरिएट को एनालाइज करते हैं, फैक्टर एनालिसिस, कंकॉर्डेंशियल एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस, मल्टीवेरिएट मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, इस तरह के हम लोग डेटा एनालिटिक्स जो टू टेक्निक्स है उसको यूज करते हैं। तो बेसिकली मोटा मोटा ये है। या डेटा एनालिसिस को और ब्रॉडली मैं दिखाना चाहूँ तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें हम लोग एवरेज और डिस्पर्सन के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग में हम लोग कोरिलेशन रिग्रेशन के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। कंपैरिजन के केस में हम लोग टी टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। मैं बताऊंगा टी टेस्ट कब यूज करते हैं, क्या करते हैं। और देन वी आर इंटरेस्टेड फॉर द प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, देन फैक्टर एनालिसिस, एंड देन डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस। तो हर चीजों के केस में ये बेसिकली जरूरत होती है। जैसे आपको किसी ने ये बोला कि आपके इर्द गिर्द, घरों के इर्द गिर्द में जो वनस्पतियां हैं, जो 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 बेसिकली मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उन मेडिसिनल प्लांट्स में उसके केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो आपको बेसिकली डिस्क्राइब करना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द एवरेज ऑफ केमिकल ए एंड केमिकल बी प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एनडब्ल्यूएमपी या एलोवेरा में बात करते हैं। इसी तरह से आपको यह बताना है कि जो वाटर पंप हो रहा है स्प्रिंग के थ्रू, और जो वाटर आपके घरों में आ रहा है, ये वाटर जो संस्थान है, वाटर इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट का, उसके थ्रू आ रहा है, तो उन दोनों के वाटर क्वालिटी में क्या डिफरेंस, आपको ये इवेल्युएट करना है। आपको ये बताना है लोगों को कि यार आप लोग जो पानी आ रहा है नलों का, जो जो गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है, दैट इज एज गुड एज द वाटर विच इज कमिंग फ्रॉम द स्प्रिंग्स। आप कैसे बताएंगे, सो मोटो स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता। You have to compare the water quality for of the supplied by water body and also with the spring. तो इस तरह की जब चीजें आपका interest है, तो your interest revolves around the comparison. तो ये basically data analysis के different components हैं, अवयव हैं, जिसपे कि हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। Any questions? कोई आप लोगों का कोई इशू जिसमें आप लोग कुछ बात करना चाह रहे हैं? ओके, सो वी कैन प्रोसीड। सो बेसिकली ओवरऑल जो मैं अभी तक जो बात कर रहा था वो यही है कि हाउ वी जनरेट द डेटा एंड व्हाट वी रियली डिमोन्स्ट्रेटिंग थ्रू द डेटा, दैट इज द ओवरऑल पर्पज ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। इशू बस यही है कि आपके पास एक कोई एंटिटी है, उस एंटिटी में से आप कुछ चीजों को स्टडी करके आप उस एंटिटी के बारे में बताना चाह रहे हैं, बस इतना सही पर्पज है आपका। अब आपको बताना पड़ेगा कि वो एंटिटी क्या है। उस एंटिटी को बताने का जो तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन। उस एंटिटी पूरे को पॉपुलेशन बोलते हैं, और वहां से जो चीजें हम लोग ड्रा कर रहे हैं, जो हम कुछ चीजों को निकाल के स्टडी करना चाह रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल। तो यहाँ पे इशू ये होता है कि हमको सैंपल ऐसे ड्रॉ करना है, सैंपल शुड बी ड्रॉन इन सच ए फैशन that whatsoever the information we are going to produce through the sample that should match with the population parameter, population आपका purpose solve हो जाएगा। यदि आप हमसे ये बोलें कि मुझे ये बताइए कि हल्द्वानी में एयर पोल्यूशन क्या है पिछले साल या इस साल क्या होने वाला है, तो मैं कहूंगा आप तो मैं तो हर नुक्के चौराहे पे मैं एक एक आदमी को खड़ा करूंगा और ये 365 days मैं पूरा मेजर करता रहूंगा। तो बोलेंगे आप उसका कास्ट बताइए, तो मैं बोलूंगा करोड़ रुपए। तो बोले नहीं नहीं ऐसे तो नहीं हो पाएगा, वी डोंट हैव करोड़, वी आर हैविंग वेरी लिमिटेड मनी एंड वी कांट स्पेंड मोर देन 10 लाख। तो मैं बोलूंगा ठीक है मैं कर दूंगा। तो आपका क्वेश्चन तुरंत होगा कि जब आप पूरे 1 करोड़ के काम को 10 लाख में कर रहे हैं, तो क्या मैं आपके डेटा, आपकी इंफॉर्मेशन को रिलायबल मान सकता हूँ, इज इट वैलिड, इट इज नॉट डूबियस। तो मैं बोलूंगा यस, आई विल फॉलो द साइंटिफिक प्रोटोकॉल, बाय सेलेक्टिंग सुटेबल सैंपल वी विल डिराइव द इंफॉर्मेशन एंड दैट इंफॉर्मेशन विल बी वर्थ फॉर अकाउंटिंग एनीथिंग। सो ये बेसिकली आपका ओवरऑल उद्देश्य यही है कि हमें अपने पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना है,
एंड उस पॉपुलेशन के बारे में जो इंफॉर्मेशन शेयर करना है उसमें से हमें सैंपल इस तरह से जनरेट करना है कि पॉपुलेशन को हम लोग सही चीजें बता पाए। हम लोग सारी बातें यही कर रहे हैं। तो उससे पहले जरा आप कुछ बेसिक टर्म्स की बात कर लेते हैं, तब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या है ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन क्या है, डेटा क्या है और आप इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आप लोग को बताता हूं। आप लोग जहां पे भी बैठे हैं, आप लोग जरा अपने कमरे की दीवार को देखिए। आपको दीवार पर देखते ही लगेगा कि कुछ रंग है। ये जो इंफॉर्मेशन है, कुछ रंग है, कुछ कलर है, दिस इज नोन एज द ऑब्जर्वेशन। उसी समय आपका ब्रेन, कॉग्निटिव ब्रेन जो है वो कुछ फंक्शन करता है एंड इट टैलीज विद द रे द द कलर ऑफ द वॉल विद द स्टैंडर्ड कलर्स एंड देन यू डिसाइड दैट इट इज व्हाइट, इट इज रेड, इट इज ग्रीन, इट इज ब्लू, इट इज व्हाइट, इट इज पिंक। ये जो है ये इंफॉर्म, ये डेटा है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज द ऑब्जर्वेशन इज इम्प्लिसिटली कोडेड एंड डेटा इज एक्सप्लिसिटली कोडेड। तो डेटा जो है ये एक स्टेप अप इंफॉर्मेशन है आपके लिए, क्योंकि अब आप ये बताएंगे कि दीवार में कलर की बात नहीं करेंगे आप बोलेंगे दीवार, मेरी जो दीवार है वो व्हाइट कलर की। पहले जो ऑब्जर्व कर रहे थे आपको वहां पे कलर लग रहा था और जो स्टैंडर्ड कलर से आपने मैच किया, आपने थोड़ा प्रोसेसिंग किया और उस प्रोसेसिंग के बाद आप बता रहे हैं कि उसका कलर तो बेसिकली स्टैंडर्ड से व्हाइट मैच कर रहा है। सो वी कैन कंक्लूड दैट दिस वॉल इज ऑफ व्हाइट कलर। तो ये जो होता है ऑब्जर्वेशंस और डेटा में डिफरेंस होता है। इज इट ओके टू यू ऑल? देन कम टू द वेरिएबल। कोई कोई इश्यूज आप लोग का, एनीथिंग विच यू वांट टू टॉक? टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट। मैं आता हूँ, धीरे धीरे आता हूँ, धीरे धीरे आऊंगा मैं उस पर। मुझे लगता है कि कल तक हम लोग उस पर बात कर पाएंगे। सो व्हाट इज वेरिएबल? एनीथिंग विच वेरीज विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू यूनिट आर एनी अदर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वी कॉल इट एज अ वेरिएबल। कोई भी चीज आप ले लीजिए, पोल्यूशन लेवल, वाटर क्वालिटी, एयर, इंडोर एयर पोल्यूशन, वेस्ट जनरेशन, ये सब जो है ये वेरिएबल्स। डेली बेसिस पे आप देखेंगे तो वेस्ट चेंज होता है, डेली बेसिस पे एयर पोल्यूशन चेंज होता है, वाटर क्वालिटी अलग अलग जगहों की अलग अलग होती है, तो स्पेशियल टाइप की चीजें उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, तो उसको इसलिए हम लोग उसको वेरिएबल बोलते हैं। अब वेरिएबल भी दो तरह की होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। एनी वेरिएबल विच कैन बी मेजर्ड थ्रू द नंबर इज नोन एज द क्वांटिटेटिव एंड एनी थिंग विच कैन बी मेजर्ड थ्रू द क्वालिटी इज नोन एज अ क्वालिटेटिव। फॉर अ मोमेंट, सैनिक ब्यूटी, ऑनेस्टी, ये सबको आप नंबर नहीं दे सकते, लेकिन मैं ये बोलूं कि आप ये बताइए कि आपके सामने कितने नंबर ऑफ ट्रीज हैं, आपके सामने जो स्क्रीन है वो कितनी बड़ी है, तो वॉल्यूम, लेंथ, एरिया ऑफ द स्क्रीन यू कैन डिफाइन एंड दैट इज नोन एज द क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। लेकिन मैं ये बोलूं कि जो उसमें जो आपकी जो चीजें जो आपको दिख रही हैं बाहर, उसकी सुंदरता कितनी है आप नहीं बता सकते। मैं ये बोलूं कि जो हवा चल रही है उस हवा में जो जेंटलनेस है वो कैसा है, उसकी ग्रेडिंग कैसी है, आप उसको नंबर में नहीं डिफाइन कर सकते। यू हैव टू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी। यू कैन से दैट इट इज हाईली, स्पीड इज वेरी हाई, स्पीड इज लो, स्पीड इज मॉडरेट, स्पीड इज वेरी वेरी लो, दिस सॉर्ट ऑफ क्लासेस यू कैन मेक एंड देन वी कॉल इट एज द क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। देन जो डेटा होता है, डेटा भी दो तरह का होता है। एक डेटा होता है जिसमें कि एक रेंज की किसी भी वैल्यूज को वो वेरिएबल अटेन कर सकता है, जैसे हाइट। हाइट की वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 2.7 भी हो सकता है। लेकिन मैं ये बोलूं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, तो ये 15 ही होगा, 17 होगा, 205 होगा, लेकिन ये 1.9 नहीं हो सकता। तो एनी वेरिएबल विच कैन एज्यूम ओनली द वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज, द इंटीजर्स, वी कॉल इट एज द डिस्क्रीट। और कोई दूसरा डेटा जो कि न्यूमेरिकल है और उसमें से कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस डेटा। तो आपको ये क्लियरिटी बहुत ही फंडामेंटली होनी चाहिए जब आप एक्सपेरिमेंट्स करने जा रहे हैं। अब आता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में मैंने बात की थी आपसे कि नेचुरल जब पॉपुलेशन होता है, एग्जिस्टिंग होता है, तो उसको हम लोग सैम्पलिंग मेथड्स के थ्रू उसका डेटा जनरेट करते हैं, और जब कंस्ट्रक्टेड पॉपुलेशन होता है जिसमें कि हम लोग अलग अलग
एयर प्यूरिफायर लगा रहे थे और अपने हिसाब से प्यूरिफायर लगा के और वहां पे देख रहे थे क्या एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो हम लोगों ने बेसिकली पॉपुलेशन, जो नेचुरल पॉपुलेशन था उसको हमने चेंज कर दिया है, हमने एयर प्यूरिफायर लगा दिया, उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टेड पॉपुलेशन, और वो काम आता है, वो थ्रू वो एड्रेस होता है डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। अब देखिए सैम्पलिंग मेथड क्या है। सैम्पलिंग मेथड का बस ओवरऑल एक ही फंडामेंटल पर्पज है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रू पॉपुलेशन थ्रू सैंपल्स। दैट मीन्स वी हैव टू सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स सो दैट whatsoever the information you are going to draw, that should be valid for that particular population. और इसको करने का तरीका क्या है? इसके करने के कई तरीके। उस कई तरीकों में जाने से पहले जरा हम लोग बात कर लेते हैं कि सैंपल क्या है, पॉपुलेशन क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, पैरामीटर क्या है और सैंपल साइज क्या है। तो सैंपल जो है, जो उस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं सैंपल, और जो पॉपुलेशन है जो कि आपकी इंक्वायरी का फोकस है, जिस एरिया में, जिस यूनिट में, जिस टाइम में, उस टाइम के वो यूनिट्स जो पूरे के होते हैं या जो उस एरिया के जो पूरे यूनिट्स है, पूरे यूनिट्स, उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन। जैसे यदि विधानसभा के इलेक्शन में वोटिंग वोटर के पॉपुलेशन की बात करनी है, तो हर वो व्यक्ति, मेल या फीमेल या कोई और भी हो, वो जिसकी एज 18 साल हो गई है, वो हमारे वोटर का पॉपुलेशन है। यद्यपि की पॉपुलेशन में बच्चे भी हैं वहां पे, लेकिन वोटर पॉपुलेशन केवल वो है। और वहां से यदि हम लोग मेल, फीमेल और डिफरेंट एज क्लास के लोगों को सैंपल कर लें, तो हम लोग उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंड वी कॉल इट एज अ सैंपल। ये जो कैटेगराइजेशन है इसको थोड़ा सा समझने के लिए कॉमन सेंस ओके। सो एनीथिंग विच वी आर, अब हमारे पास सैंपल भी हो गया, पॉपुलेशन भी हो गया, वी लर्न दैट व्हाट इट इज। एंड जैसे ही हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं और सैंपल से कोई इंफॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। और पॉपुलेशन का वही वैल्यू जो होगा, जो पॉपुलेशन के वैल्यूज के बेस पे होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। तो स्टैटिस्टिक्स में या आपका पूरा इंटरेस्ट यही होता है कि स्टैटिस्टिक्स हम ऐसे जनरेट करें जो कि पैरामीटर के एज क्लोज एज पॉसिबल हो जाए। एज क्लोज एज पॉसिबल मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वोटर जो थे, वोटर के पॉपुलेशन तो थे करीब करीब 5 लाख, लेकिन हमने स्टडी कितना किया, हमने स्टडी किया 10,000। तो 10,000 और मतलब 4,90,000 को हमने स्टडी नहीं किया है, तो 10,000 के बेस पे कहीं ना कहीं कोई चीज आप अंडरमाइन करेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा था कि एज क्लोज एज पॉसिबल ये हो जाए, ताकि आपका पर्पस सॉल्व हो जाए within the limited time, limited resources and limited manpower. तो ये basic issues है sampling method का। जैसे soil organic carbon in the forest soil क्या होता है, कैसे आप जानेंगे? इसके जानने का एक तरीका है कि आप जिस भी एरिया में soil organic carbon जानना चाह रहे हैं, आई assume that कि आप लोगों को soil organic carbon पता होगा, तो जिस भी एरिया में आप soil organic carbon को पता लगाना चाह रहे हैं, उस एरिया को आप विजिट कीजिए और देखिए क्या वहां पे सभी के सभी ट्रीज जो हैं, ट्रीज की बात कर रहा हूं मैं, जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसमें देखिए सभी के सभी ट्री क्या एक ही स्पीसीज की हैं और उनकी ग्रोथ एक ही है। यदि ऐसा है तो आप इसको होमोजीनियस पैच मान सकते हैं और आप यहाँ पे 15-20 रैंडम सैंपल्स कहीं से भी ड्रा कर सकते हैं। इन केस यू आर हैविंग द डिफरेंट ग्रोथ्स, आपको लगता है कुछ ट्रीज तो जो है वो तो 50 फीट ऊंचे हैं और कुछ जो है 10 फीट के, इसका मतलब लीफ लीटर प्रोडक्शन जो है अलग अलग ट्रीज का अलग अलग होगा, और लीफ लीटर प्रोडक्शन यदि अलग अलग होगा तो सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन में चेंजेज होगा, तब उस केस में आपका जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस नहीं रहा, ये हेट्रोजीनियस हो गया। तो आप उस पॉपुलेशन को अब दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे सो दैट कि पहला पार्ट लो ग्रोथ वाले का हो और दूसरा पार्ट सफिशियंट ग्रोथ वाले का हो। अब इनको बोलते हैं स्टेटा, और इस स्टेटा से यदि रैंडम सैंपल आप ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। तो बेसिक क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेटिफिकेशन करते क्यों? स्ट्रेटिफिकेशन अपने पॉपुलेशन यूनिट्स को होमोजीनियस बनाने के लिए स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं, और स्ट्रेटिफिकेशन करने के बाद हम लोग रैंडम सैंपल यूज करते हैं हर स्टेटा में,
इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। और कारण ये है कि जो हमारा पॉपुलेशन था, आवर पॉपुलेशन वॉज नॉट होमोजीनियस, रेदर इट इज हेट्रोजीनियस, सो मेकिंग आवर पॉपुलेशन होमोजीनियस वी आर पार्टीशनिंग आवर पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द होमोजीनिटी क्राइटेरियन ऑफ द डिफरेंट क्लासेस। तो हम लोग अलग अलग क्लास में पॉपुलेशन को बांट देते हैं और उस हर क्लास में जो यूनिट है वो आपस में होमोजीनियस होती है। तो ये यदि आप पांच पार्ट में डिवाइड कर दिया अपने पॉपुलेशन को बेस्ड ऑन द किसी क्राइटेरिया पे, तो पांचों पॉपुलेशन को आप सब पॉपुलेशन मान लीजिए और हर पॉपुलेशन में आप अलग अलग सर्वे कर सकते हैं रैंडम सैंपलिंग के थ्रू। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। इस केस में आपके पास इंफॉर्मेशन पॉपुलेशन के बारे में एग्जिस्ट कर रहा था, आपको अपने यूनिट को देखा था कि यूनिट जो है वो होमोजीनियस है, एक तरह की है कि एक तरह की नहीं है, इस तरह की चीजें आपके सामने आई थी और तब आपने डिसाइड किया था कि नहीं जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट है, इसलिए हमने अलग अलग क्लास बनाया था। एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जहां पे कि आपको यूनिट के बारे में पता ही नहीं, जैसे फॉरेस्ट आपने देखा कि आप जब जा रहे हैं हल्द्वानी की तरफ, आप थोड़ा सा आगे बढ़िए नैनीताल के एरिया में जब जाते हैं आपको ह्यूज एरिया फॉरेस्ट का दिखता है। अब मैं आपसे ये बोलूं कि अब आप ये बताइए कि ये फॉरेस्ट जो है होमोजीनियस है कि नहीं है, तो आपको लगेगा कि यार मुझे ग्रोथ देखना पड़ेगा, स्पीसीज देखना पड़ेगा। अब मैं कितना टहलूंगा, कितना घूमूंगा, क्योंकि वहां तो गाड़ी भी नहीं जा सकती, फॉरेस्ट के अंदर गाड़ी भी नहीं जाती, तो अब आप क्या करेंगे। अब आपके पास पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब पॉपुलेशन की लिस्टिंग नहीं है, मतलब पॉपुलेशन का सैंपलिंग फ्रेम अवेलेबल नहीं है। जब ये अवेलेबल नहीं होता है तब एक सैंपलिंग स्कीम रिकमेंड की जाती है, दैट इज नोन एज द सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। अब सिस्टमैटिक क्यों है, क्योंकि हम लोग इसमें डेटा जो है एक सिस्टम के थ्रू जनरेट करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं उसको सिस्टमैटिक। रैंडम क्यों है, क्योंकि पहला पॉइंट जो सिस्टमैटिक का स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसको हम लोग रैंडम सैंपल के थ्रू सेलेक्ट करेंगे। अब रैंडम सैंपल का मतलब है कि रैंडम सैंपल सेलेक्ट करना है तो जो पूरा फॉरेस्ट था उसमें से कोई एक ट्री सेलेक्ट कर लेंगे जो सामने दिख रहा है आपको, या पूरे फॉरेस्ट में से कहीं से भी एक ले लेंगे और उसके बाद से हर सवे ट्रीज को एक डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे और हर सवे ट्रीज को का मेजरमेंट लेते रहेंगे। इस तरह का जो डेटा कलेक्शन का प्रोटोकॉल होता है उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। अब एक केस और हुआ, आप कहीं पे इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप ये बताइए कि ये इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है, जो एयर पोल्यूशन है बेसिकली, या इंडोर एयर क्वालिटी है, इसको कैसे मैनेज किया जाए अक्रॉस द स्टेट्स। तो अब आप सारे स्टेट्स में तो जाके सर्वे करना तो बहुत ही बड़ा काम हो गया, इट इज हरकुलियन टास्क एंड यू विल बी नीडिंग 100 crores, और 100 crores तो चाहिए चाहिए, 4 साल का डेटा भी कलेक्ट करना पड़ेगा, तो इतना टाइम नहीं है। गवर्नमेंट इज इन हरी एंड दे आर सेइंग दैट नो वी हैव टू प्लान इट विद इन अ ईयर। तो आप क्या करेंगे कि आप जहां पे पोल्यूशन एयर जो इंडोर एयर पोल्यूशन के जो एलिमेंट्स हैं उनके बेस पे आप पूरे कंट्री को कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या ऐसा नहीं आपको लगता है, या क्योंकि माउंटेन में अलग होगा, कोस्टल रीजन में अलग होगा, डेजर्ट में अलग होगा, प्लेन में अलग होगा, तो यू कैन डिवाइड इट बेस्ड ऑन द सर्टेन क्राइटेरिया। यदि ऐसा नहीं है, आपको लगता है नहीं नहीं ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि आप पूरे कंट्री के जो 35 स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें से कुछ को ले लेंगे आप। तो पहले तो पूरे कंट्री से आपने कुछ स्टेट और यूटीज को ले लिया और उस स्टेट और यूटीज में से कुछ डिस्ट्रिक्ट को ले लेंगे, सब रैंडम सिलेक्शन हो रहा है, और कुछ डिस्ट्रिक्ट में से लेने के बाद आप कुछ ब्लॉक्स को ले लेंगे और कुछ ब्लॉक्स में लेने के बाद कुछ अर्बन रीजन ले लेंगे और कुछ रूरल रीजन ले लेंगे। तो आप कर क्या रहे हैं, आप बेसिकली स्टेप में चलते चले जा रहे हैं। इस तरह के प्रोसेस को स्टेप वाइज सैंपलिंग बोलते हैं, और चूंकि इसमें सिलेक्शन रैंडम हम लोग कर रहे थे इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको स्टेप वाइज रैंडम सैंपलिंग। तो ये जो चीजें हैं, ये मल्टी फेज मल्टी स्टेज सैंपलिंग, इसको बेसिकली मल्टी स्टेज सैंपलिंग बोलते हैं, मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग। तो इस तरह से आप डेटा कलेक्ट करते हैं, आई मीन टू से डिपेंडिंग ऑन द यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, डिपेंडिंग ऑन योर इंक्वायरी, डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज टू बी स्पेंड, आप सैंपलिंग प्रोटोकॉल को डिसाइड करते हैं एंड स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड यू द वेरियस ways and means for the data collection through the samples।
अब मैं इसमें बहुत चीजें बार बार बोलता चला जा रहा हूं, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि रैंडम सैंपलिंग करते कैसे, है ना। तो अब आप लोग जरा ये सोचिए कि भाई रैंडम सैंपलिंग करेंगे कैसे। आप में से कोई कुछ बताएगा इसमें से, मैं थोड़े देर रुकू तो आप लोग में से कुछ बोलेंगे या आपके कुछ क्वेश्चंस जनरेट हो गए हैं तो कुछ बात करते हैं इस पे। एनी वन ऑफ यू वॉलंटियर, या मैं रैंडम सैंपलिंग डिसाइड करूं? एनी वन ऑफ यू? कोई नहीं है, नो वन। तो मैं आप लोग को अब डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं कि हम रैंडम सैंपलिंग करते कैसे हैं। तो मैं इसको जरा स्टॉप कर रहा हूं, फिर मैं बैक होता हूं इस पे। नाउ वी आर हैविंग मेनी नंबर ऑफ स्कॉलर्स, ऑलमोस्ट आई एम थिंकिंग दैट इट इज नियरली से कितने होंगे हमारे पास, करीब मैं 5 को यदि रिमूव कर दूं, 52 लोग हैं आप लोग, 52 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। यदि 52 स्टूडेंट्स का हमारे पास एक नंबर होता 1 to 52, है ना, मेरे स्क्रीन में नंबर आ रहा है, मतलब मान लीजिए मैंने ऐसा जनरेट किया हुआ है। अब इस नंबर में से कोई एक नंबर मैं आप लोगों में से किसी से पूछूंगा कि 1 to 52 में से कौन सा नंबर रैंडम सैंपल में आना चाहिए, तो से फॉर अ मोमेंट मैं, योगेंद्र सिंह है, योगेंद्र हैं आप? योगेंद्र सिंह, योगेंद्र, योगेंद्र, ओके चलिए योगेंद्र वाला फेल हुआ। राजपाल सिंह, आर यू देयर? राजपाल, मैं तुमसे बस नंबर पूछूंगा और कोई ऐसी बात नहीं है। ओके सर, प्लीज रिस्पॉन्ड टू द एक्सपर्ट प्लीज। अच्छा कोई भी बोलो। अच्छा चलिए मैं बोल रहा हूँ दीपा गरिया। दीपा आप हैं क्या? दीपा गरिया, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मैं एक से, हमारे पास जो स्टूडेंट है 52 स्टूडेंट है, 52 उनमें से एक से 52 में आपको कोई एक नंबर बोलना है। कितना? 48। दीपा आपने 48 बोला था ना? सर मैं दिव्या बोल रही हूँ। दिव्या बोलिए, कितना बोला था आपने? 48 बताया। 48। तो अब क्या होगा कि मैं 48 नंबर पे जो स्टूडेंट है उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। और जो मेरी इंक्वायरी थी, मेरी इंक्वायरी ये थी कि आप एयर, जो इंडोर एयर पोल्यूशन है उसमें आप अपने घर में जो इंडोर एयर पोल्यूशन आप ऑब्जर्व करते हैं वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही कम है, मॉडरेट है। तो मैं उनसे अब ये क्वेश्चन पूछ लूंगा, और चूंकि वो रैंडम सैंपल में हमारे एक यूनिट है तो मैं एक ऑब्जर्वेशन कलेक्ट कर लिया। इसी तरह से मैं किसी और एक लड़के से पूछूं या दिव्या से ही मैं पूछूं, दिव्या दूसरा नंबर बताओ, दिव्या ने बोला 12, तो मैं 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 12 नंबर पे जो स्टूडेंट होगा, जो सीरियल नंबर पे, उस 12 स्टूडेंट्स, 12 नंबर के स्टूडेंट से मैं ये क्वेश्चन भी रिपीट कर लूंगा। तो मैं दिव्या के थ्रू रैंडम सैंपल्स जनरेट करना चाह रहा हूँ एक से 52 के बीच में। एक तरीका तो ये हो गया, जो आप लोग कभी कभी छुपम छुपाई गेम खेलते होंगे या कभी कभी आप लोग लॉटरी में तो चिट निकाल के कुछ काम करते होंगे बचपन के समय में, ये सब रैंडम तरीका है एक दूसरे को सेलेक्ट करने का। और उसमें हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि किसी के साथ भी हम लोग बायस ना हो। इसका मतलब यही ना कि मैं किसी एक को अपने लेवल पे सेलेक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। ये तो मेथड हो गया कि मैं दिव्या के थ्रू सेलेक्ट कर रहा था। दूसरा एक मेथड होता है कि एक से 52 का मैं चिट बनाऊं और उस चिट में मैं सारे लड़कों का नाम लिख, मतलब लड़के का नाम लिखता चला जाऊं। पहले चिट में से फॉर मोमेंट हमारे पास सुपर्णा है, दूसरे में अंकित रावत है, तीसरे में मीनाक्षी है, तो मैं एक से 52 तक का चिट बना दूंगा और सबका नाम लिखा रहूंगा और फिर किसी से बोलूंगा आप इसमें से चिट सेलेक्ट कीजिए, 10 लड़कों को मुझे सेलेक्ट करना है, तो जाएगा एक को सेलेक्ट कर लेगा। अब एक को सेलेक्ट कर लिया और पता लगा रोहित आ गया, तो हमने रोहित से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अब इशू ये आता है कि क्या उस चिट को दोबारा उसमें रख दिया जाए या ना रखा जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। आप यदि रख देते हैं तो उस तरह के सैंपलिंग को हम लोग विथ रिप्लेसमेंट बोलते हैं, और यदि आप नहीं रखते हैं उसको तो हम लोग बोलते हैं सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये दो कॉन्सेप्ट और होता है जिसमें हम लोग अपने रैंडम सैंपलिंग में यूज करते हैं। अब एक तीसरा और तरीका है रैंडम सैंपल सेलेक्ट करने का, एक होता है रैंडम टेबल जो कि पब्लिश्ड है लिटरेचर, बहुत से टेबल्स बनाए गए हैं, फिशर का टेबल है, कैंडाल का टेबल है, कई टेबल्स अवेलेबल हैं। टेबल्स का मतलब ये एक बुक है, A4 साइज से बड़ी एक बुक है,
और उसमें टेबल में वैल्यूज अरेंज किए गए। उस टेबल की खासियत यह है कि आप किसी भी पैटर्न पे आप उसमें से वैल्यूज को सेलेक्ट करेंगे, चाहे रो वाइज, कॉलम वाइज, डायगोनल वाइज, पहले रो को छोड़ के दूसरे रो से शुरू कर दीजिए, जिस भी तरह से आप करेंगे वो सैंपल जो होगा वो सैंपल रैंडम होगा। तो सैंपल रैंडम सेलेक्ट करने के कई प्रोसीजर हैं, एक है चिट मेथड से, एक जो मैं दिव्या के साथ बात कर रहा था, और तीसरा रैंडम नंबर टेबल के थ्रू भी हम लोग सैंपल सेलेक्ट करते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोटोकॉल है ये है सैंपल सर्वे। अब इस सैंपल सर्वे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप लोग का तो मैं उस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में शिफ्ट करते हैं। सर सिंपल सर्वे जो है उसमें एरर के चांसेस बहुत ज्यादा होते होंगे सर। वेरी गुड। अगर हम सैंपलिंग कर रहे हैं, अगर कुछ इस तरह से जहां पे ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है वहां से हमने सैंपलिंग ले ली तो पूरा हमारा डाटा खराब आ जाएगा ना सर। खराब आ जाएगा, खराब होगा, गलत होगा। तो इसको करेक्ट करने के लिए कौन सी कोई और दूसरी मेथड यूज करनी पड़ेगी? हाँ, करनी पड़ेगी। अगर हम फॉरेस्ट में ऑर्गेनिक मैटर का जो है सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, तो सर कहीं पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, कहीं बहुत ज्यादा भी होगा, ठीक है, तो हमको सैंपलिंग हमने एक ही जगह से ली, एक दो दो चार जगह से ली, लेकिन जहां से बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है वहां से ले ली तो हमारा तो पूरा ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा ना सर। हाँ, गलत हो गया, इन्फॉर्मेशन गलत होगी। तो अब इसको ठीक कैसे करेंगे, कैसे ठीक करेंगे इसको? हाँ यही सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि करेक्ट कैसे किया जाए सर इसको। अच्छा, कोई 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 हमारा कुलीग है जो विनीत की इस क्यूरियोसिटी को आंसर करेगा सर? दोबारा उसकी काउंटिंग करके, दोबारा काउंटिंग करके। गुड दिव्या, गुड। कोई और? अब हम लोग अलग अलग, अलग उसमें विचार मंथन करते हैं। क्या है सर जो भी अगर सैंपलिंग सर मायने धीरेन्द्र धीरेन्द्र या प्लीज सैंपलिंग जब करेंगे सर सैंपलिंग में ये नहीं कि अच्छी चीज के लिए भी कर सकते हैं या बुरी चीज, तो उससे एवरेज जब निकलेगा सर तो वो भी एक आउटपुट आएगा, इम्प्रूवमेंट ऑफ पॉइंट्स रहेगा वो। रहेगा। गुड धीरेन्द्र, एक नया पॉइंट पे भी आपने बात किया, मैं उससे भी थोड़ा सा आप लोग से चर्चा करूंगा। दिग्विजय कुछ कहना चाह रहे हैं? तो चलिए मैं पहले अब उस विनीत के प्रश्न पे आता हूँ। दिग्विजय की चीजों को करते हुए आप लोग को एक ऐसे जनरल बात शेयर कर रहा हूँ अपने अनुभव के बेस पे। रिसर्च में कुछ भी अच्छा और कुछ भी बुरा नहीं है, ये हमारा मानव जनित परसेप्शन है कि हम लोग चीजों को अच्छा और बुरा कहते हैं। तो रिसर्च में इस प्रिजुडिसेस को रखने की जरूरत नहीं है। मेरी आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि ऐसा कुछ ना रखें अच्छे रिसर्च के मामले में, अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता। अब विनीत की इश्यूज पे आते हैं। विनीत क्या है, जब भी हम लोग कोई सर्वे करने जाते हैं तो पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इशू इज दिस दैट वी हैव टू लुक्ड द पॉपुलेशन। अब जब आप जंगल में जाएंगे तो चूंकि आप ऑर्गेनिक कार्बन पे बात करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल बी एक्सपर्ट ऑफ इट। आपको पता होगा कि किस लेवल पे ऑर्गेनिक कार्बन की वेरिएबिलिटी अकाउंट हो रही है, मतलब कोई ऐसा ट्रीज जिसमें कि जो जो उसके लीव्स बहुत जल्दी इंटीग्रेट हो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं या उसके डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट हो रहा है, कुछ ऐसे ट्रीज जिसमें लीव्स है ही नहीं, कोनिफर बहुत ही कम लीव्स है, या कोई ऐसा ट्रीज जिसमें कि लीव सेडिंग बहुत फास्ट होती है, कुछ इस तरह के आपके पास नॉलेज है। तो आप जब फॉरेस्ट को विजिट करेंगे तो यू विल नोट दैट कि कौन से एरिया में इस तरह की चीजें ज्यादा हैं, किसमें मॉडरेट है, किसमें कम है। और जैसे ही आपने ये ऑब्जर्व कर लिया आपका पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो गया। और जैसे ही आपका पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हुआ आपने कहा कि लुक एट हियर, नाउ दिस पॉपुलेशन इज नॉट होमोजीनियस, सो टू मेक होमोजीनियस हम लोग इसको पार्टीशन कर रहे हैं, हम लोग इसको क्लास बना रहे हैं, हम लोग इसको स्ट्रेटिफाइड कर रहे हैं। तो अब आपने तीन स्टेटा बना दिया, जहां एसओसी बहुत ज्यादा है, जहां एसओसी बहुत कम है और जहां एसओसी मॉडरेट है। अब जब ये तीनों बन गए तो आप तीनों जगह से सैंपल कलेक्ट करेंगे। अब तीनों जगह से जब सैंपल कलेक्ट करेंगे तो आपको दो तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक तो इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जो बहुत ज्यादा था, जो कम था और मॉडरेट था उनमें कितना कितना एसोसिएट्स, एक तो ये मिलेगा आपको। दूसरा आप तीनों को पूल कर देंगे, तीनों को मिला देंगे तो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर आप बोलेंगे कि इस नेचुरल फॉरेस्ट में एसोसिएट जो है वो इतना है। तो इस तरह से हम लोग इसमें सैंपलिंग करते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, क्योंकि हम लोग उसमें से सॉयल का सैंपल जो ले रहे हैं वो रैंडम प्रोटोकॉल से ले रहे हैं,
तो हम लोग इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, क्योंकि हम लोग स्टेटा बेसिकली इसको अलग कर दिए। अदिति मैं आपके क्वेश्चन पे बैक होता हूं अभी, इससे पहले मैं जरा उनसे बात कर लूं। बताइए विनीत, बताइए। सर आई अंडरस्टैंड सर। ओह गुड, यस सर करेक्ट, दैट कम अंडर स्टेटिफिकेशन रैंडम सैंपलिंग। हां, और देखो विनीत क्या है ना, मैं आप यहां से एक और मैसेज आप लोग को दे रहा हूं, हमने कुछ बताया नहीं आप लोगों को, ये सब मतलब आप खुद सोचोगे तो बता देंगे आप बस थोड़ा सा संकोच करके इसलिए आप नहीं बोले थे। तो स्टैटिस्टिक्स जो है बड़ी सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, ये एक फॉल्स पैराडाइम है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप लोग के लिए एकदम सिंपल सब्जेक्ट है ये, एंड रेदर जनरल तौर पर जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं इट इज मोस्ट कॉमन सेंस साइंस। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और आया है तो जरा उस पर भी बात कर ले। अदिति आप जरा इसको एक्सप्लेन करेंगी क्या? After a certain time, we can take different samples and take their averages. Seems to be good. लेकिन क्या मैं जो आप कह रही वही मैं समझ पा रहा हूँ? तो जरा मैं एक बार आपसे समझ लूँ, आप क्या बोलना चाह रही है, बता पाएंगी अदिति? Okay, अदिति ने बोला कि एक certain time के बाद we can take the different samples and take their averages. Yes, we can do. लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमें हमारा इंक्वायरी क्या है। यदि मेरी इंक्वायरी ये है कि फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं उनका ग्रोथ हमें मेजर करना है ना, मुझे ग्रोथ मेजर करके आपको बताना है। लुक एट हियर अदिति, जो फॉरेस्ट का जो ग्रोथ है ना ये 1.2 सेंटीमीटर पर ईयर है। लेकिन यदि मैं टाइम के रेस्पेक्ट में अभी नहीं ये बताऊंगा और आज मेजर कर लूं और एक साल के बाद मेजर करूंगा तो ट्रीज डायनेमिक सिस्टम है वो तो बढ़ जाएगा। तो डायनामिक सिस्टम के केस में समय के बेस पे सैंपलिंग कई बार सुसाइडल हो सकती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी सब्जेक्ट इंक्वायरी क्या है। यदि इंक्वायरी ऐसा है जिसमें कि डायनामिज्म जो टाइम के रेस्पेक्ट में जो डायनामिज्म है यदि वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो टाइम के साथ सैंपल लेने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि वो इन्वॉल्व हो रहा है तब प्रॉब्लम है, क्योंकि पहला सैंपल जो है वो एक डिफरेंट कंडीशन का हो गया और दूसरा सैंपल एक डिफरेंट कंडीशन का हो गया। तो इस केस में आप ये जरूर बोल सकते हैं, आपका इंक्वायरी ऐसा हो सकता है कि आप मुझे ये बताएं कि जो क्लाइमेट जो चेंज हुआ है, जो अभी जो टेम्परेचर जो 2021 में था 2022 में स्लाइटली क्लाइमेट थोड़ा चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, रेनफॉल इंटेंसिटी चेंज हुई होगी, फ्रिक्वेंसी चेंज हुई, क्या इन दोनों पीरियड में सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन या ऑर्गेनिक मैटर उस फॉरेस्ट में डिफरेंस अलग अलग हो रहा है क्या? ये कंपेटिटिव स्टडीज हो सकती है इस तरह की। तो उस केस में हम लोग सैंपल करने जाएंगे तो पहले बार का सैंपल अलग लेंगे, दूसरे बार का अलग लेंगे, पहले वाले से इंफॉर्मेशन जनरेट करेंगे कि कितना सॉयल कार्बन था वहां पे, ऑर्गेनिक कार्बन था 2021 में और कितना ऑर्गेनिक कार्बन है 2022 में। इसको जब हम लोग कंपेयर करते हैं दो वेरिएबल्स दो मीन्स हैं, दो मीन्स को कंपेयर करने का जो तरीका होता है वो टू सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट होता है, उसके थ्रू हम लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो अदिति आई थिंक दैट यू आर इन गोइंग इन गुड वे। ज्योति ये है, ओके, व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टोर इन्वायरमेंटल सैंपल्स? ज्योति आपको थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा कि इन्वायरमेंटल सैंपल्स आप क्या बोलना चाह रही हैं, मतलब वो आप लीव्स की बात करना चाह रही हैं, आप सॉयल की बात करना चाह रही हैं, आप एयर की बात करना चाह रही हैं, क्या बात करना चाह रही हैं? मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप यदि उसको थोड़ा क्लियर कर देंगे तो आई विल ट्राई। व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टोर एनवायरमेंटल सैंपल्स? क्योंकि एनवायरमेंटल बहुत बड़ा टॉपिक है ना, एनवायरमेंटल में क्या चीज सबके लिए अलग अलग करना होगा। जैसे हम लोग लीव्स को लाते हैं तो लीव्स को ला के हमारे पास कुछ जो मेरे कुलीग लोग हैं, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ इट, मेरे कुलीग लोग हैं उसको एक फ्रीजर टाइप की कोई चीज होती है उसमें वो रखते हैं। सॉयल के सैंपल्स को भी चूंकि उसको सुखा के उसका एनालिसिस करना होता है तो उसको एक बंद कमरे में, अरे एक जो रूफ के साथ एक कमरा है जिसमें कि एयर थोड़ा कम है उसमें हम लोग सॉयल के सैंपल को सुखाते हैं। तो इस तरह से लोग डेटा कलेक्ट करते हैं लोग और स्टोर करते हैं अपने आप को। सॉयल को स्टोर करने का वही तरीका, सॉयल आप ले आइए, पहले तो आप वहां पे जाएंगे, आप किसी के थ्रू किसी मेथड के थ्रू 0 से 30 सेंटीमीटर अगार भी एक होता है इंस्ट्रूमेंट, उसके थ्रू आपने वो सॉयल कलेक्ट किया, उसको आपने एक बैग में रखा, बैग में भी पॉलिथीन बैग में भी एक कागज का बैग हो सकता है, एंड देन यू ब्रॉट इट इनटू द योर लैब।
अब लैब में आपको जनरल तौर पे जो सॉयल एनालिसिस जितना मैं समझ पाया हूँ एनपीके एनालिसिस करने का या अवेलेबल या उसके कोई माइक्रोबियल कंटेंट को करने के लिए वो लोग उसको हवा में सुखाते हैं। तो एक कमरे में बड़ा सा कमरा है उसके ऊपर पेपर बिछा के वहाँ पे सॉयल को लोग रख देते हैं सुखाने के लिए। तो दैट इज द वे बाई विच पीपल आर जनरली स्टोरिंग देयर सॉयल सैंपल्स फॉर ड्राइविंग द वेरियस पैरामीटर्स। Good. So, any other issues which you would like to deliberate on? Koi issues? Sir, can I? हाँ, yeah, please. Anyone of you? No restrictions, please. Sir, जैसे आपने कहा कि time को हम consider नहीं करेंगे, मतलब ज़्यादा देर तक अगर जा रहा है, खिंच रहा है sampling, तो हम उसको avoid करेंगे. Is it? तो सर अगर क्या हो कि टाइम सेंसिटिव डेटा हो और हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं, वो लंबे टाइम पीरियड तक चले, उसको कैसे ओवरकम करेंगे? ये डिपेंड करेगा ना कि आपकी बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कौन सा क्वेश्चन प्रयासो पूछना चाह रहे हैं, है ना। यदि आपका डेटा, आपका जो सैंपल है वो टाइम, अरे जो जो इंक्वायरी है यदि वो टाइम रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं आप ये देखना चाह रहे होंगे कि इन दोनों में परफॉर्मेंस कैसा है ना। पहले वाला जो पहले सीजन का परफॉर्मेंस था वो दूसरे सीजन से चेंज है कि नहीं है, आप ये देखना चाह रहे हैं। या आप कभी कभी ऐसा भी चाहते हैं कि कोई ट्रीज है उसका अभी का ग्रोथ कुछ था, अगले साल का ग्रोथ कुछ हो गया, उसके अगले साल का ग्रोथ कुछ हो गया, तो आप उसका एक एवरेज ग्रोथ भी बताना चाह रहे हैं। यदि आप इस तरह का डेटा अरेंज कर रहे हैं तो इसको हम लोग ज्योमेट्रिक, अरे ये हार्मोनिक मीन के थ्रू बता पाते हैं कि इसका एवरेज ग्रोथ कितना है। तो वो डिपेंड करता है कि इंक्वायरी क्या है आपकी। इंक्वायरी यदि कंपिटिटिव है, इफ यू विश टू कंपेयर द इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स, वो क्लाइमेट ट्रीटमेंट हो सकता है, आपने कुछ ट्रीटमेंट दिया हो, आईए आईबीए कुछ दिया हो, जो जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं उसको देखना चाह रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप वहां पे उसको यूज कर सकते हैं टाइम वाले डेटा को। या आप ग्रोथ उसका देखना चाह रहे हैं किसी ट्रीज का, या इस तरह के डेटा को आप यूज करना चाह रहे हैं, या आप कभी से फॉर मोमेंट आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो एवरेज एयर पोल्यूशन इन सिटीज हाउ इट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप लाइन डायग्राम बना के इसको बता सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप बेसिकली किस प्रश्न का जवाब देने जा रहे हैं और उसमें कौन से इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं और वो इंफॉर्मेशन किस तरह के सैंपल से ड्रॉ हो रहा है। तो केस टू केस वो सब चीजें बड़ी मेटिकुलसली डिफाइन करनी चाहिए, ऐसा मुझे समझ में आता है इसमें। प्रियंशु, इज इट ओके? Yes, sir. Anything else? Any one of you? किसी सैंपल के लिए सैंपल साइज कितना होना चाहिए? दो तीन चीजें मैं इसमें, ये आपके प्रश्न का मैं डायरेक्ट जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं दूसरे तरह से जवाब दे रहा हूं इसका। किसी भी केस में आप लोग परसेंटेज टाइप वाले चीजों में मत जाया कीजिए। कोई कह दे 10% चले जाइए, कोई जरूरत नहीं है। 10% ऑफ 100 कितना होगा? 10। 10% ऑफ लाख, बेचारा हाथ मलता रह जाएगा। तो ऐसे किसी भी परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट में जल्दी से एंटर नहीं करना है। कई तरह के फॉर्मूले अवेलेबल हैं लिटरेचर में, एरिया बेस पे अवेलेबल है, यूनिट बेस पे अवेलेबल है, जो कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसी भी रिलेटेड वेरिएबल्स के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के थ्रू एस्टिमेट किया जाता है। उस वैल्यूज को आप उस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कीजिए, यू विल गेट द नंबर सैंपल साइज। तो आप ये तरीका अपनाइए, ये ज्यादा बढ़िया, रादर देन गोइंग बाय द हियर से कि 5% ले लीजिए, 9% ले लीजिए, 25% ले लीजिए, ये सब यूजलेस बातें हैं। इस पे मत विश्वास कीजिएगा। किसी भी स्टैटिस्टिक्स की बुक में कॉकरन 1966 में है, आप देखेंगे उसमें जब वो बात कर रहा है रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग की, तो वहां पे उसको डिस्क्राइब किया हुआ है फॉर्मूले को, तो उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं आप, आसानी से उसके बाद जा सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस की जरूरत पड़ती है उसमें। आप किसी भी वेरिएबल्स का मेजरमेंट ले लीजिए, जैसे आपको किसी भी जगह पे आपको एयर पोल्यूशन मेजर करना है, तो आप पिछले साल के, मतलब पिछले साल का या एक आध दो महीने का या किसी तरह का डेटा है उसका आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए और उसका आप रेशियो निकाल लीजिए, उसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं, उस वैल्यूज को उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द सैंपल साइज। ये तरीका होता है अभी नहीं तो उसको निकालने का। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन लूँ, अभिषेक का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल? ओके, सो अभिषेक तुम्हारा इश्यूज बहुत ही बढ़िया है ना, मतलब दिस इज रियली गुड दैट यू हैव पॉइंटेड। आई एम रियली अमेज्ड टू रियलाइज द विजुअलाइजेशन ऑफ यू ऑल, यू पीपल आर पुटिंग सच ए गुड क्वेश्चंस।
So how can we done sampling in remote areas? अब रिमोट एरिया का मतलब यदि आपका ये है कि वो एरिया इनएसेसिबल है, आप उसको नहीं पहुंच ही नहीं सकते, तो उस बात yes, तो, उस बात में तो आजकल क्या हो गया कि हमारे पास रिमोट सेंसिंग का डेटा है, यदि आपका वेरिएबल उस रिमोट सेंसिंग के डेटा के थ्रू एस्टिमेट हो सकता है, थ्रू मेजर हो सकता है, तो रिमोट सेंसिंग के थ्रू उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं। लेकिन अदरवाइज यदि वो इनएसेसिबल है और वो जो वेरिएबल्स आपको मेजर करना है वो बाई हैंड मेजर करना है इंडिविजुअल, तो वो तो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या कोई ऐसा इक्विपमेंट हम लोग डेवलप करते हैं। जैसे सी के लेवल में, सी में यदि हमें जो बायोटा है ग्राउंड पे, उसके उसके ग्राउंड लेवल पे जो उसके उसके तलाटी है वहां पे हमें लेना है, और मैं ये बोलूं कि मैं ही जाके लूंगा, तब तो ये संभव नहीं है, तो उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट जनरेट करना पड़ेगा कि उस इंस्ट्रूमेंट के बेस पे ले जाकर उसका डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। यही एक तरीका उसमें बचता है। और इनएसेसिबल एरियाज के केस में हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता, और वहां पे जब हम लोग के पास इक्विपमेंट हो गया तो हम लोग फिर वो जो स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल प्रोटोकॉल है सैंपलिंग का उसको फॉलो कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जब एयर सीडलिंग करते हैं हम, तो उसमें सर हमें पता कैसे चलता है कि हमारा जो है कितना सक्सेस हुआ है हमारा एयर सीडलिंग का प्रोग्राम? एयर सीडलिंग में एक ना कांसेप्ट होता है इनवर्स सैंपलिंग का। क्या होता है उस केस में कि हमको पता है कि हमने कितना एयर सैंपलिंग किया है, एयर सीडलिंग कितना हमने थ्रो किया, से इट इज 10,15,000, 1,700 है ना, कुछ ऐसा 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 डेटा है, और हमने क्या किया कि इस पूरे एरिया में इतना हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो अब उस एरिया के एक फिक्स एरिया में कितने नंबर ऑफ सीडलिंग्स जनरेट हुए, उसके बेस पे हम लोग एक फार्मूला डेवलप करते हैं, और उस फार्मूला के थ्रू हम लोग एस्टिमेट कर पाते हैं कि कितने नंबर ऑफ सीडलिंग्स जर्मिनेट हुए हैं, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उसमें। यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंk you. So just let me take another question from Aditi. Is there any specific instrument we can use in it? किसके लिए? Aditi, अब ये थोड़ा question आपका link नहीं हो रहा है। कुछ बता पाएंगी कौन से की बात कर रहे हैं आप? Soil की बात कर रही हैं। Soil को sample collect करने का तरीका है agar के through select करते हैं, और analysis तो तरह तरह की analysis होती है, Jeldal method के through कुछ करते हैं, कुछ CHN NS analyzer के थ्रू करते हैं, तो कई इक्विपमेंट अवेलेबल हैं जिसके बेस पे आप उसके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को मेजर कर सकते हैं। आदित्य, इज इट ओके? ओ, फॉर सैंपलिंग, फॉर सैंपलिंग तो ठीक है, आप सैंपलिंग तो रैंडम सैंपलिंग आपको लेना पड़ेगा, तो पहले रैंडम सैंपलिंग लेके आप पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, और पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद आप अगार के थ्रू ले सकते हैं, यदि आप 0 to 90 centimeter जा रही हैं, और नहीं तो छोटा सा 0 to 10 centimeter पे जा रही हैं, तो आप तो एक छोटा सा होता है, क्या बोलता हूँ उसका नाम मैं भूल गया, वो बहुत ही छोटा सा कप टाइप का होता है लोहे का, उसको उल्टा करके उसमें लोग इंसर्ट कर देते हैं, और उसके बाद उसको डिग करके बाहर निकाल लेते हैं, तो उसके थ्रू सॉइल सैंपल कलेक्ट। सॉइल कोरर सर। सॉइल कोरर, ओ क्या बात है, सोना ऐसा फिर, ओ टमटा साहब, ओ थैंक यू ग्रेट। सो गुंजन सर, हु कंडक्ट्स द सैंपलिंग सर्वे थ्रू आउट द इंडिया? इट इज बेसिकली नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, it is a body under ministry of statistics and program implementation, government of india. it conducts surveys, bahut tarike ke survey karta hai, economic surveys karta hai, kya bolte hain, aur ek registrar general of india hota hai jo ki sampling to nahi karta, wo batata hai ki kitne log, kitne human available hain, male female, kis age class mein, is tarah ka wo 10 saal ke base pe wo data generate karta hai, jisme ki population statistics bolte hain usko, और बाकी छोटे छोटे चीजों पे जैसे कि वो इकोनॉमिक सर्वेस, लोगों का एक्सपेंडिचर रेशियोज क्या है, उस तरह का डेटा को एनएसएसओ करता है, और उसको जो पॉपुलेशन का काम है उसको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करता है। दिस इज अ बॉडी अगेन इन मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो कि ये बताता है कि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन 2011 में कितनी थी, 2021 में कितनी है, 2001 में कितनी थी, 2031 में कितनी होगी, इस तरह की चीजों को लोग जनरेट करते हैं। इसमें इस तरह से देखने की जरूरत है कि जब हम लोग वेजिटेशन सर्वे करते हैं तो हमारा टारगेट पॉपुलेशन कितना बड़ा है, यदि टारगेट पॉपुलेशन इज ह्यूज तो ऑलवेज बेटर है कि आप सिस्टमेटिक सैंपलिंग कीजिए, आप लाइन ट्रांजेक्ट डालिए और 0.1 hectare का डालिए, यदि आप ट्री की सैंपलिंग करना चाह रहे हैं तो जो एफएसआई की मेथोडोलॉजी है क्वाड्रेंट वाली, इसमें कि वो
23.6 मीटर का स्क्वायर बनाते हैं, आप उस सैंपल्स को ड्रॉ करके और डेटा जनरेट कीजिए। लेकिन जनरल तौर पे जो मैंने देखा है, लोगों का एरिया बहुत कम होता है, या कम नहीं होता है तो कम एरिया पे ही लोग काम करते हैं। तो फिर वो सैंपलिंग यदि आप सिस्टमेटिक उसमें जा रहे हैं तो बढ़िया नहीं। उससे बढ़िया क्या है कि आप अपने पूरे फॉरेस्ट को आप डिस्टाइज कर लीजिए, है ना। यदि वो 20-50 किलोमीटर का है तो डिस्टाइज हो जाता है, थोड़ा मेहनत लगेगा, हो जाता है। डिस्टाइज होने के बाद आप उसको अपने स्क्रीन पे लाइए और एक प्रिंट बड़ा सा निकाल लीजिए, और प्रिंट प्रिंट निकालने से पहले उसको मैट्रिक्स उस पर ड्रॉ कर दीजिए, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। तो कई रोज बन जाएंगे, कई कॉलम्स बन जाएंगे, से यू आर हैविंग 50 रोज एंड 70 कॉलम्स। अब आप उसका सीट पे प्रिंट ले लीजिए, और आपने नंबर ऑफ सैंपल साइज, जैसे विनीत बात कर रहे थे, सैंपल साइज आपने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, तो सैंपल साइज से आपके जो नंबर ऑफ ग्रिड्स हैं वो आ गए से 63। तो आप क्या कीजिए कि उस जो पूरा सीट आपने जो बिछाया है उस पे, उस सीट की जो एक सेल की जो विड्थ है और जो लेंथ है, उसके उतना छोटा सा कोई एक कोई एलिमेंट ले लीजिए, कोई थिंग्स ले लीजिए, और उसको ऊपर से ड्रॉप कर दीजिए। जहां वो जाके रुकता है उसको आप उस पर्टिकुलर रोज और कॉलम को आप सेलेक्ट कर दीजिए। से मान लीजिए कि किसी जगह पे वो जाके रुका और वो फिफ्थ रोज है और 23rd कॉलम है, तो फिफ्थ रोज और 23rd कॉलम का आपको यहाँ पे जियो कोऑर्डिनेट्स पता है, क्योंकि आपने जीआईएस से सब चीजें जनरेट की हुई, तो आप जाके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्वे कर लीजिए। ये है रैंडम सैंपलिंग, है ना। या आप ये नहीं करना चाह रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि आप जो 1 से 23 नंबर ऑफ रोज थे और 1 टू 70 नंबर ऑफ कॉलम थे, आप उसको रैंडम नंबर टेबल में देखिए, 1 से 23 तक का कौन सा आ रहा है, वो कहता है 7। फिर आप कॉलम में देख लीजिए कि 1 से 74 में कौन सा आ रहा है, वो कह रहा है 71। तो फोर्थ रोज और 71 कॉलम को आप सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से जितनी भी चीजें हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, आपका ये रैंडम सैंपल हो जाएगा। यदि बहुत बड़ा है, डोंट गो फॉर दीज थिंग्स, सिंपली गो फॉर द लाइन ट्रांजेक्ट सैंपल Having a quadrant of size 0.1 hectare. क्योंकि मैं फॉरेस्ट को जो स्टडी कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो 10x10 मीटर में कुछ चीजें बहुत निकलती नहीं है, तो 0.1 हेक्टेयर इज क्वाइट गुड एरिया टू जनरलाइज योर रिजल्ट्स। सर इज इट ओके? थैंक यू सो मच सर। प्रियांशु, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन सर, डज नॉट एक्यूरेसी वेरीज विद सैंपल साइज? हाउ गुड। So, पहले तो एक इशू आता है प्रियांशु एंड ऑल कि एक्यूरेसी क्या होती है, कोई बता सकता है, कोई ऐसे रैंडम गेस करेगा क्या एक्यूरेसी क्या होती है? सर मिनिमम एरर। प्रियांशु अगेन वेरी स्मार्ट आंसर। मिनिमम एरर का क्या मतलब हुआ? मतलब डेटा कम से कम एरर हो, मेजरमेंट में कम से कम एरर हो, मेजरमेंट में कम से कम एरर, ये आप बोलना चाहते हैं? यस सर। अब प्रियांशु में थोड़ा सा क्लोज टू ओरिजिनल नहीं, एग्जैक्ट ओरिजिनल को हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी। और आपने क्लोज भी नहीं इसलिए बोला कि कुछ भी तरीका अपना लो, आप एग्जैक्ट वैल्यू तो जान ही नहीं सकते। अब आप बोलोगे क्या प्रकार की बातें कर रहे हैं, यदि मैंने एक छोटा सा डिस्टेंस वाली चीजें ली हैं तो मैं उसको मीटर का स्केल लगाऊंगा और मेजर करके बता दूंगा कि ये 0.7 मीटर है, 0.73 मीटर है, आप कैसे कह रहे हैं गलत है, ये तो एग्जैक्ट है। नहीं, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि लेंथ के मेजरमेंट का जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है उसका भी मिनिमम लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट से नीचे को मेजर नहीं करता। तो एक तो बात ये समझ लीजिए कि एग्जैक्ट वैल्यू होती है एक्यूरेट वैल्यू, तो एग्जैक्ट वैल्यू कभी मिलती नहीं है, कभी पता नहीं लगती, इसलिए क्लोज टू एग्जैक्ट वैल्यू कहते हैं, उसको बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, एक तो ये चीज हो गया। दूसरी वैल्यूज है कि एक्यूरेट वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है। यदि हमें पता रहता कि हल्द्वानी में एयर पोल्यूशन का लेवल कितना है, यदि एक्यूरेट वैल्यू हमें पता रहती तो हम स्टडी करते ही क्यों, सैंपलिंग करते ही क्यों? नहीं पता है हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता करना है। तो पॉपुलेशन की जो वैल्यूज है उसको एग्जैक्ट वैल्यू समझ लीजिए आप लोग, और जो अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो है नहीं लेकिन हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सैंपल लेंगे। अब यदि मैं ये बोलूं कि मार्च महीने में पोल्यूशन लेवल क्या था, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि मार्च तो 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक का है, और सर कह रहे हैं कि कल ही डेटा ले लो और बता दो। तो कल ही जब डेटा लेंगे तो 1 से 31 तक का रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं, तो डेटा में कुछ एरर होगा ही होगा।
मैं आप लोगों ने कहा तो मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं यार, आज का ही मत लो, आज से 5 दिन पहले का भी ले लो, 5 दिन बाद का भी ले लो, तो थोड़ा बढ़ा तो थोड़ा एरर कम होगा। फिर आप लोग कहेंगे नहीं नहीं इसमें भी एरर है, तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, आप 15 दिन पहले का भी ले लो और 15 दिन बाद का भी, हर दिन का ले लो, तो ऑब्वियसली आपकी जो वैल्यूज है वो एक्यूरेट वैल्यू की तरफ और क्लोज होती चली जाएगी। इस तरह की वैल्यूज को प्रिसाइज वैल्यूज कहते हैं, जो हम सैंपल के थ्रू एस्टिमेट करना चाहते हैं वो बेसिकली एक्यूरेट वैल्यू को एस्टिमेट करना चाहते हैं, लेकिन वो वैल्यू जो आ रही है वो वैल्यू कितनी प्रिसाइज है उसका प्रिसीजन डिपेंड करता है कितने नंबर आप सैंपल हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। जब मैं केवल 15 तारीख का ले रहा था तो आप कह रहे थे गलत है, मैं कह रहा था 2 दिन पहले और 2 दिन बाद का ले लीजिए, तब भी आप कह रहे थे कि सर बहुत तो लिए नहीं है आप, तब भी गलत है। लेकिन जब आप जैसे जैसे नंबर बढ़ाते चले जा रहे हैं, सैंपल साइज जैसे जैसे बढ़ाते चले जा रहे हैं, आपको खुद में एहसास होने लगेगा कि आप क्लोज वैल्यूज की तरफ चलते चले जा रहे हैं। इसलिए जैसे जैसे आप सैंपल साइज बढ़ाएंगे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी। एक्यूरेसी की जगह हम लोग प्रिसाइज टर्म यूज करते हैं, तो प्रिसीजन होता चला जाता है, क्योंकि हम लोग सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उसको स्टडी नहीं कर रहे, पार्ट ऑफ द एलिमेंट्स वी आर स्टडी, तो हम लोग एवरेज कितना बढ़िया होता चला जा रहा है मैं उसकी बात करने लगते हैं। सर डू वी हैव क्वाड्रेंट मेथड फॉर सिंपल रैंडम सैंपलिंग, इफ सो इफ डू व्हाट आर द साइजेस और मेजरमेंट फॉर इट? यस वी हैव द क्वाड्रेंट मेथड। क्वाड्रेंट मेथड तो किसी के लिए भी लग सकता है। देखिए क्वाड्रेंट मेथड बेसिकली डेटा कलेक्शन का मेथड, डेटा कैसे निकालना है, डेटा को डिराइव करना है, जो मेथड है वो रैंडम सैंपलिंग। तो आपने क्या करना है कि आपने जो अभी मैं टप्टा सर को बता रहा था कि मतलब आप किसी तरह से वो पिन गिरा के ले लीजिए, कोई थिंग्स गिरा के ले लीजिए या कॉलम और रोज का ले लीजिए, कोई ग्रिड आपको पता लग गया, आप उस ग्रिड में जाके इस क्वाड्रेंट को प्लेस कर दीजिए। आप क्वाड्रेंट को जैसे ही आप प्लेस करेंगे तो चूंकि वो रैंडम सेलेक्टेड है तो रैंडम क्वाड्रेंट हो गया। तो क्वाड्रेंट इज ए वे टू डिटरमाइन द वैल्यूज विच यू इंटेंड फॉर, और क्वाड्रेंट की साइज ट्री सैंपलिंग के केस में जो मैं मानता हूं सेफर साइड के लिए, और आप लोग यदि पीएचडी करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे कभी तो आप सेफर साइड में जाइएगा क्योंकि पेपर उसी से पब्लिश हो रहा है। यू गो फॉर द एफएसआई मेथोडोलॉजी, इट इज 23.6 मीटर स्क्वायर एंड यू ड्रॉ इट एंड यू गेट द वैल्यू। सो दैट क्वाड्रेंट इज नोन एज अ रैंडम क्वाड्रेंट हैविंग साइज 23.6 स्क्वायर, तो उसके थ्रू आप लोग उसको कर सकते हैं। ओके ये ठीक है, ये अभी जो हम लोगों ने बात कर रहे थे ये सेटिस्फैक्टरी है। मनीष इज इट ओके? यस सर, थैंक यू। ओह थैंक यू मनीष, थैंक यू। ओह तो कविता हैज अगेन सेंड अ वेरी गुड क्वेश्चन, सर हाउ कैन मेजर एयर एंड वाटर पोल्यूशन ऑफ डिफरेंट एरियाज? वेरी गुड वेरी गुड कविता। एक्चुअली जो स्टैटिस्टिक्स है ना, मैं आप सभी लोग को बोल रहा हूँ, मतलब कविता पोस्ट ए वेरी गुड क्वेश्चंस एज यू ऑल। आपको करना क्या है कि आपको बेसिकली अपनी इंक्वायरी को और प्रिसाइज करते चले जाना है। आपको ये बताना पड़ेगा कि डिफरेंट एरियाज में किस सीजन में आप करना चाह रहे हैं। यदि आप पूरे साल का करना चाह रहे हैं तो अब आपको अपने सब्जेक्ट नॉलेज, क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट हैं एनवायरमेंटल साइंस के, तो आप लोग बताएंगे कि सीजन में क्या ये पोल्यूशन चेंज होता है। यदि वो पोल्यूशन चेंज होता है तो सीजनल सैंपलिंग कर लीजिए। यदि आपको लगता है नहीं नहीं ये तो सीजन उजन का कोई चक्कर नहीं है, ये तो मतलब हर मंथ ही ये सब चेंज होता रहता है, तो आप मंथली सैंपल कर लीजिए। आपके यहाँ कहीं पे ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो वीकली चेंज होता है तो वीकली कर लीजिए। तो हर जगह पे, और इसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि पोल्यूशन का जो लोड है दिन भर में वो कब चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियसली जब सुबह में लोग कम्यूट करते हैं तब होता है, शाम में लोग कम्यूट करते हैं सब तब होता है, दोपहर के समय में कुछ होता है और रात के समय में होता है। तो चारों बार का आप चार स्टेटा बना लीजिए। आपके पास दो तरह का स्टेटा बन रहा है, डिफरेंट एरिया और हर एरिया में टाइम, मॉर्निंग 9 बजे, 2 बजे, 5 बजे और रात में 10 बजे या 12 बजे। तो आप उस तरह से करके आप पोल्यूशन लोड वहां का निकाल सकते हैं सभी जगह का। और वहां पे भी यदि आप सर एक क्वेश्चन है, अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमको लाइव स्टॉक की सैंपलिंग करनी है तो किस हिसाब से करेंगे, उनकी टोटल पॉपुलेशन हमको निकालनी है तो कौन सी मेथड से हम उसकी पॉपुलेशन करेंगे? अगर हम इंडिविजुअली काउंट नहीं करना चाह रहे हैं तो उसको स्टैटिस्टिक्स से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन पे बैक होता हूं मैं, है ना। जरा कविता का कंफर्म कर लें। कविता इज इट ओके टू यू? कविता एम आई ऑडिबल? कविता
ओके तो कविता शायद हमारी आवाज नहीं सुन पा रही है, इसलिए हम आगे पे चलते हैं। आगे में हाँ, हाउ वी कैन मेजर द ओके देन अगेन ए क्वेश्चन, व्हाट आर द अवेलेबल सैंपलिंग मेथड फॉर रॉक सैंपल्स कलेक्शन। पूजा यदि तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें हो रिमोट सेंसिंग में, तो कोई रिमोट सेंसिंग के एक सेंसर के थ्रू आजकल लोग रॉक की केमिकल्स की भी बातें करना शुरू कर दी है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इफ यू आर जियोलॉजिस्ट सो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि किस किस एरिया में किस किस तरह के रॉक होते हैं, है ना, क्योंकि आपको सब्जेक्ट नॉलेज है इतनी, उसके बेस पे आप अपने एरिया को क्लासिफाई कर लीजिए और वहां से आप डिफरेंट जो साइजेस और शेप्स के या जो उसके इवोल्यूशन के प्रोसेस के जो सैंपल्स हैं उसको कलेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो वहां पे जाके थोड़ा सा एक मेटिकुलस वेज में कि क्या क्या इश्यूज हैं जो कि रॉक को चेंज कर सकते हैं, उन इश्यूज को कंसिडर करते हुए आपको सैंपल सेलेक्ट करना पड़ेगा, और रैंडम सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं आप, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। इज इट ओके पूजा? मैंने रॉक सैंपल पे कभी काम किया नहीं, लेकिन मेरी अपनी जो समझ है वो यही बता रही है। पूजा इज इट ओके टू यू? पूजा ओके, सो वी आर अगेन प्रॉब्ली वी आर नॉट रीचिंग टू ओके पूजा, ओके थैंक यू। सो मैं अगेन विनीत की क्वेश्चन पाता हूँ। विनीत क्या है कि इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो मेरी आप सब लोगों को एक सजेशन है, जितनी मेरी स्टैटिस्टिक्स की समझ है उसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ। जैसे ही आप लोगों को कोई क्वेश्चन आए, तो पहले आप उस सब्जेक्ट को समझने का प्रयास कीजिए, स्टैटिस्टिक्स थोड़ा दूर रखिए। स्टैटिस्टिक्स आपका सब्जेक्ट नहीं है, स्टैटिस्टिक्स एक सपोर्टिंग साइंस है जो कि आपके चीजों को, आपके सोल्यूशन को बेहतर तरीके से और रिलायबल तरीके से प्रोवाइड कराने का प्रयास करता है, है ना। बहुत ही क्लियरिटी, बहुत क्लियर रही इस मामले में। अब आपको लाइव स्टॉक करना है, तो आप लाइव स्टॉक रखता कौन है, पहला क्वेश्चन ये आता है। क्या शहर के लोग रखते हैं कि गांव के लोग रखते हैं, पहले ये देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये आना चाहिए कि यस आई नो गांव शहर में तो बहुत कम लोग रखते हैं, शहर में खटाल खुटाल होता है और गांव में लोग घरों में रखते हैं, तो खटाल आपका बेसिकली फोकस होना चाहिए। अब आपकी पॉपुलेशन में खटाल फोकस हुआ, खटाल का मतलब आप सब लोग समझ रहे हैं, जहां पे गाय वगैरह और भैंस वगैरह को रियर करके दूध सेल करते हैं। गांव में जब आप जाते हैं, तो गांव में इशू ये आता है कि गांव में कौन लोग रखते हैं, क्या कास्ट के हिसाब से चीजें चेंज हो रही हैं या इनकम के हिसाब से चेंज हो रही हैं। आपको जाके एक बार देखना पड़ेगा ये सब चीजें। जब आपको पता लग गया कि नहीं कोई भी ऐसा कोई डिटरमिनेशन नहीं है, ऑल आर हैविंग एंड उसी में से हाल में से कुछ लोग नहीं रख रहे हैं, वो दूसरे गांव में कुछ लोग वही लोग रख रहे हैं, तो हम लोग शॉर्टेड नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपको सारे गांव का नंबर पता करना है, सारे गांव में सारे हाउस होल्ड्स का नंबर पता करना है। उसके बाद आपको कई गांव में से, आपके पास यदि 10,000 गांव है, तो आप कम से कम 500 गांव में तो जाइए ही, और 500 गांव में जाके हर गांव में 10 हाउस होल्ड का सैंपल सेलेक्ट कीजिए। अब 10 का आपने सेलेक्ट किया, तो आपको पता लगा कि आपकी गाय जो एनिमल आया वो सब आया 90। अभी मैं केवल एनिमल की बात कर रहा हूँ, लाइव स्टॉक की बात कर रहा हूँ, मैं कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ। अब 10 हाउस होल्ड से आपको आया 90, तो आपको मोटा मोटा एक गाय, एक जो हाउस होल्ड है वो 9 लाइफ स्टॉक रखा हुआ है। 9 लाइफ स्टॉक इज बीइंग रियर्ड बाय 1 हाउस होल्ड, एंड इफ दिस विलेज इज हैविंग 100 नंबर ऑफ हाउस होल्ड, देन योर टोटल लाइफ स्टॉक मे बी 900। तो इस तरह से हम लोग विलेज का निकाल लिए, और इसी तरह से मैं 500 पे जाता हूँ। 500 पे जब आपने कलेक्ट किया 10 हाउस होल्ड का डेटा, तो उसका एवरेज आया 7.5। तो 7.5 आया एक हाउस होल्ड का। आपके पास 1000 विलेजेस थे और सब विलेजेस में 10-10 हाउस होल्ड थे, तो 10,000 हाउस होल्ड हो गए, और एक में 7.5 आ रहा है, तो 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 इट विल बी रफली 7,500। तो इसको इस तरह से क्लासीफाई करके आप अपना डेटा जनरेट कर सकते हैं, और तब आप टोटल पॉपुलेशन बता सकते हैं। विनीत इज इट अपीलिंग? यस सर, यस सर, आई अंडरस्टैंड। हाँ, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, यस सर, वी हैव डन इट। यस, not only this Vinit, we have done that, how much fodder is being extracted from the forest agriculture and how much is being purchased, we worked on it, so we can do this question of precision is always there, hai na।
तो उसमें वो इश्यूज हो सकता है, लेकिन देर आर वेज एंड मीन्स बाय विच यू कैन एस्टिमेट इट, सो नो इश्यू इन दैट. और दूसरा एक अदिति जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, सेंसस लेना होगा, सेंसस भी कर सकते हैं, बट सेंसस इज ए ह्यूज प्रोसेस इन्वॉल्विंग गुड अमाउंट ऑफ टाइम, गुड अमाउंट ऑफ मैन पावर, गुड अमाउंट ऑफ टाइम, इसलिए सेंसस एंड सेंसस इज नॉट साइंटिफिक ऑल्सो, क्योंकि सेंसस में इतने ज्यादा डाटा कलेक्ट हो जाते हैं कि वो डेटा में इटसेल्फ, डेटा रिकॉर्डिंग, डेटा फीडिंग में एरर होने लगता है, उसको भी एरर बोलते हैं हम लोग, नॉन सैम्पलिंग एरर बोलते हैं उसको, तो वहां पे वो प्रॉब्लम है. Good. So, any other questions? Prijansu, basically there is a ways and means जिसमें कि हम लोग रिसोर्स भी अप्लाई करके और सैंपल साइज एस्टिमेट करते हैं. प्रियांशु हैज रिटन अ क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन टू ऐड टू माय प्रीवियस क्वेश्चन, एज रिसोर्स, मनी, एक्सेसिबिलिटी एक्सेट्रा आर आल्सो फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज, सो हाउ डू वी फाइंड अ बैलेंस बिटवीन द सैंपल साइज विथ एक्सेप्टेंस, प्रिसीजन एंड द फैक्टर्स मेंशन्ड अबव. तो इसमें बस एक वही चीज है कि आपको ये पहले पहले डिसाइड करना पड़ता है कि आप अपने जो एस्टिमेट आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है, उस वैल्यूज में कितने परसेंट तक एरर को आप बियर कर सकते हैं. यदि आप एरर को 20% बियर कर सकते हैं तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू पुट लेस रिसोर्सेस. लेकिन आप ये कहते नहीं मुझे तो 5%, तो आपने आपको गोल्ड का करना है, गोल्ड से रिलेटेड कोई आइटम का सर्वे करना है, और वहां पे तो 0.001 ग्राम की वैल्यू है, मतलब 0.1 ग्राम की वहां वैल्यू है, हजारों में वो बात होने लगती है. तो उस केस में आपको अपने सैंपल साइज को बढ़ाना ही पड़ेगा, एंड इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स द टोटल साइज. और ऑब्वियसली जैसे जैसे आप चीजों को बढ़ाते चले जाएंगे सैंपल साइज को, आपका रिसोर्स सब बढ़ता चला जाएगा. तो आपको अपना बैलेंस बताना पड़ेगा कि कितने लेवल तक, कितने एरर तक हम लोग अपने चीजों को एक्सेप्ट करने के पोजिशन में है, उस हिसाब से सैंपल साइज डिसाइड हो जाती है. वो जो आपको फार्मूला में बता रहा था वहां पे भी आता है मार्जिन ऑफ एरर, प्रोबेबल एरर आता है वहां पे, कि आपको लिखना पड़ेगा कि वो कितने एरर, कितने परसेंट एरर तक आप अपने एस्टिमेट्स को बियर कर सकते हैं, 10%. तो उस तरह से उस फार्मूले में ये इनबिल्ट है वो, तो आपको वहां पे उसको इंप्यूट करना पड़ेगा, देन यू कैन मेक ए बैलेंस बिटवीन दीज टू. थैंक यू सर. यस, एनी अदर एस्पेक्ट? Anything else? If you people are having, then we can have a discussion on that. Otherwise, I can start again. Boliye. Start, sir. Starts. Okay. So good. So just मुझे बता दीजिएगा visible है कि नहीं. आप लोग को ये visible है? Visible है ये सब चीजें? No sir, not visible. मैं भूल गया. मैंने इसको load करना ही भूल गया. Sorry. अब ये विजिबल है? इज इट विजिबल? यस सर, विजिबल. यस सर. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक समथिंग अबाउट द डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इज बेसिकली एज वी डिस्कस दैट वी आर ट्राइंग टू इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट ट्रीटमेंट्स विद द इंटेंशन दैट वी कैन क्लासिफाई दैट विच पर्टिकुलर ट्रीटमेंट इज बेस्ट वन. इस तरह का हमारे दिमाग में आइडियाज चल रहा है, और यहाँ पे भी वही हेट्रोजेनिटी और होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट चलेगा. जो डाइवर्सिटी है ना, डाइवर्सिटी इज बेसिकली बैकबोन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो जैसे ही आपके केस में जो जो पहले तो आप इसमें थोड़ा सा और समझ लीजिए कि बेसिकली जो डिजाइन है उसमें होता क्या है. पहले तो है एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट लगाते हैं, जिससे मेजरमेंट लेते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स. ब्लॉक्स बोलते हैं जब कलेक्शन ऑफ सेम यूनिट्स, जिसको आप प्लॉट भी बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ प्लॉट्स को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक. तो प्लॉट, कलेक्शन ऑफ प्लॉट्स का मतलब होमोजीनियस है, इनकी इनके इनके में आपस में सिमिलरिटीज है, उसको बोलते हैं ब्लॉक. और नंबर ऑफ ब्लॉक और नंबर ऑफ रेप्लिकेशन एक ही चीज होता है. रेप्लिकेशन का मतलब हम चीजों को रिपीट करते हैं.
तो रेप्लिकेशन का हो गया। ट्रीटमेंट का मतलब द थिंग्स आर द एजेंट आर द एनी इंटरवेंशंस व्हिच यू वांट टू इवैल्यूएट, दैट इज नोन एज द ट्रीटमेंट। तो आपको मैंने प्लॉट बता दिया, ब्लॉक बता दिया, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बता दिया और आपको मैंने ट्रीटमेंट्स भी बता दिया। अब इशू ये आ रहा है कि अब आप इसको बेसिकली टेस्ट करना चाह रहे हैं, तीन कई कई ट्रीटमेंट्स को, आप चार ट्रीटमेंट ले लीजिए, पांच ले लीजिए, छह ले लीजिए, आप तो आपके पास सिक्स वाटर प्यूरिफायर है, सिक्स तरह के वाटर प्यूरिफायर, या आपने छह मेथड डेवलप कर लिया वाटर प्यूरिफायर का। एक आप कहते हैं कि मैंने वाटर को गर्म कर दिया, दूसरे में आपने कोई चीज कोई केमिकल डाल दिया, तीसरे में आपने यूवी रेज डाल दिया, चौथे में यूवी रेज के कुछ इनहांस उसका जो पोटेंशियल था वो मेजर करके ऐसा आपने कुछ डाल दिया। एंड यू नो बाई दिस प्रोसेस वाटर इज बीइंग क्लीन्ड। तो अब आपको बेसिकली चूंकि वाटर जो है वो एक सोर्स से भी आ रहा है, तो उस सोर्स का वाटर आप ले लीजिए और जो छह नंबर आप जो आपके ट्रीटमेंट्स थे उन सब में आप एक एक लीटर, दो दो, पांच पांच लीटर, जितना भी क्वांटिटी होनी चाहिए उसमें आप डाल दीजिए एंड देन यू टेस्ट व्हाट इज द क्वालिटी। सिमिलरली दूसरे सोर्स का जो वाटर आ रहा है उसको देख लीजिए, उसमें भी डाल दीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता हो कि एक सोर्स का वाटर किसी एक के ट्रीटमेंट के साथ ज्यादा कोहेरेंस बना ले। तीसरे सोर्स से आ रहा है उसको भी डाल दीजिए। अब आप क्या कह रहे हैं कि आप अपने एक्सपेरिमेंट को बेसिकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं टू इवेल्युएट दैट विच पर्टिकुलर वेज एंड मींस इज बेस्ट फॉर ट्रीटिंग द वाटर। तो आपका जो तीन नल से जो पानी आया था ये बेसिकली तीनों नल के पानी अलग अलग हैं, तो ये हेट्रोजीनियस है। जब ये हेट्रोजीनियस हो जाता है तो हम लोग रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन करते हैं, मतलब नल जो है वो एक ब्लॉक का काम कर रहा है, क्योंकि नल का पानी एक तरह का पानी है और हमने छह जो हमारे ट्रीटमेंट्स थे दो दो पांच पांच लीटर दस दस लीटर हमने उसमें डाल दिया है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, क्योंकि वो जो वाटर हमारे आए थे से वाटर हमने 12 लीटर वाटर लिया था तो उसमें से दो लीटर कोई भी वाटर हमने पहले को दे दिया, दो लीटर कोई भी वाटर हमने दूसरे को दे दिया, हमने कोई उसमें कोई भी प्रेफरेंस नहीं किया है। तो जब रेंडमाइजेशन विद इन ब्लॉक करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रेंडमाइज्ड ब्लॉक, और उस तरह की चीजों को हम लोग बोलते हैं रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। दूसरा एक होता है जिसमें हम लोग कंप्लीटली ब्लॉक डिजाइन बोलते हैं। कंप्लीटली ब्लॉक डिजाइन के केस में हमारा ब्लॉक जो होता है पूरा का पूरा वो होता है होमोजीनियस होता है, नहीं सो पूरा का पूरा जब होमोजीनियस होता है तो उसमें हम लोग जितने भी हमारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, जितने भी हमारे रेप्लिकेशन है, उनको पूरे के पूरे ब्लॉक में हम लोग बेसिकली रेंडमाइज कर देते हैं। तो जब इररेस्पेक्टिव ऑफ ब्लॉक हम लोग पूरे ट्रीटमेंट्स को किसी एरिया में रेंडमाइज कर देते हैं, जब एरिया होमोजीनियस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीटली ब्लॉक डिजाइन। कंप्लीटली ब्लॉक डिजाइन में कॉन्सेप्ट ये होता है कि केवल एक वेरिएबल कॉजिंग फैक्टर, वेरिएबिलिटी कॉजिंग फैक्टर है, दैट इज नोन एज द ट्रीटमेंट। रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन में दो वेरिएबल कॉजिंग फैक्टर है, एक है ट्रीटमेंट और दूसरा नल जिससे पानी आ रहा था, तो ब्लॉक बोलते हैं। तो एक ट्रीटमेंट हो गया, दूसरा हो गया ब्लॉक। तो वन वे वेरिएबिलिटी को एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के वन वे वेरिएबिलिटी को इंश्योर करता है रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। जब टू वे वेरिएबिलिटी हो जाए तब हमें लैटिन स्क्वायर डिजाइन का यूज करना पड़ता है। तो बेसिकली दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कैसा है, होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है। यदि होमोजीनियस है तो कंप्लीटली ब्लॉक डिजाइन, यदि हेट्रोजीनियस है और एक डायरेक्शन में उसकी उसकी वेरिएबिलिटी पता लग रही है आपको तो आप रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन लगाएंगे, यदि आपको दो वे की वेरिएबिलिटी पता लग रही है तो आप लैटिन स्क्वायर डिजाइन लगाएंगे। आप ये तीन बेसिक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है और ये तीनों के लिए तीन प्रिंसिपल्स होते हैं, that is known as the randomization, replication and local control. Local control का मतलब है कि आप अपने plots को जो heterogeneous plot है उसको homogeneous बनाइए, और चूंकि completely block design में सारा का सारा plot homogeneous होता है इसलिए हम लोग local control का use completely block design में नहीं करते हैं, लेकिन randomized block में हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग local control के माध्यम से ही एक नल के पानी को एक तरह का बना रहे हैं। So it is local control. Replication का मतलब आप अपने पूरे ट्रीटमेंट्स को कितनी बार रेप्लीकेट करते हैं, जितनी बार आप रेप्लीकेट करते हैं तो उस रेप्लीकेट का जो रिस्पॉन्स होता है वो वेरिएबिलिटी कॉज करता है और वो वेरिएशन होता है और वो वेरिएशन ही एरर को मेजर करता है। तो रेप्लीकेशन का मतलब रिपीटिशन करते क्यों है, क्योंकि हमें एरर को मेजर करना है। एक वैल्यूज पे एरर मेजर नहीं हो सकती, एक वैल्यू पे वेरिएबिलिटी मेजर नहीं हो सकती।
तीसरा है रेंडमाइज। रेंडमाइज का मतलब ये होता है कि आप अपने ट्रीटमेंट्स को बिना बायस हुए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल में इंट्रोड्यूस करा दीजिए। आपको इंट्रोड्यूस कराना है, बायस नहीं रहना। ये नहीं करना है कि हमें तो लोगों को बताना है कि मैंने जो वेजिटेबल जो जो हमने सीडलिंग वेराइटी जो या हमने जो एयर प्यूरिफायर बनाया वो तो एकदम अल्टीमेट है। तो आप करिए क्या, जो कम पोल्यूटेड एयर हो उसको साथ उसको उसको इंट्रैक्ट करा दीजिए। तो ऑब्वियसली आपने फेवर कर दिया, आप अनबायस्ड नहीं रहे तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो रेंडमाइज इसलिए किया जाता है कि आप चीजों के साथ अनबायस्ड रहें और अनबायस्ड होने के बाद आपका रिजल्ट जो आता है उसकी वैलिडिटी इंश्योर हो जाती है। इसीलिए रेंडमाइज को कहते हैं। रेंडमाइज का एक डेफिनेशन है, मतलब थोड़ा सा शुरू में कॉम्प्लेक्स लगेगा आप लोग को। रेंडमाइजेशन इज बेसिकली एंड इंश्योरेंस अगेंस्ट एनी डिस्टर्बेंसेस विच मे एंड मे नॉट अकर एंड इफ अकर इट विल नॉट बी सीरियस। तो रेंडमाइजेशन एक इंश्योरेंस है, किसी भी तरह का जो आपकी एक्सपेरिमेंटल मटेरियल में जो डिस्टर्बिंग कॉजिंग एलिमेंट है उसको कंट्रोल करने का, भले वो करे या ना करे। तो यदि आप इंश्योरेंस किए हुए हैं तो उसके करने न करने का जो इम्पैक्ट होने वाला है उसको वो मिनिमाइज कर देता है। सो दैट इज बेसिकली नोन एज द रेंडमाइजेशन। दिस थ्री इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। दिस इज द टर्म एज द रेंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन एंड लोकल कंट्रोल। जो दूसरी चीज आती है इसमें, ये बेसिकली जब डेटा एनालाइज करते हैं तो इसको करते हैं इनोवा के थ्रू। और इनोवा इज बेसिकली, इनोवा जैसा नाम बता रहा है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो इनोवा होता क्या, इनोवा इज बेसिकली पार्टीशन ऑफ वेरिएंसेस इनटू इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो यदि मैं ये बोलूं, जो पहला वाला आप ये देख रहे हैं, जो इसमें मैं बोल रहा हूँ ट्रीटमेंट और एरर, दो चीजें टोटल को हमने पार्टीशन कर दिया है ट्रीटमेंट और एरर में। ये सीआरडी का इनोवा है। जो येलो कलर का इनोवा है, ये बेसिकली हमने किया क्या है कि हमने ये आरबीडी का इनोवा है। और इस केस में जो टोटल वेरिएबिलिटी थी, ये टोटल है वेरिएबिलिटी, इट इज बीइंग पार्टीशन इनटू द टू कंपोनेंट, दैट इज नोन एज द असाइनेबल एंड अनअसाइनेबल। असाइनेबल कॉज यदि आप रिमेंबर करें तो मैं बोल रहा था कि आरबीडी में केवल दो तरह की वेरिएबिलिटी, एक तो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की वेरिएबिलिटी है और एक ट्रीटमेंट की वेरिएबिलिटी है। तो ये बेसिकली कोई भी सोर्स ऑफ वेरिएशन, कोई भी इनोवा जो है वो अपने कंपोनेंट को दो पार्ट में डिवाइड करता है, असाइनेबल और अनअसाइनेबल। अनअसाइनेबल हमेशा एरर होगा आपके केस में, और असाइनेबल सीआरडी के लिए केवल ट्रीटमेंट होगा, आरबीडी के लिए ट्रीटमेंट और ब्लॉक होगा, लैटिन स्क्वायर के लिए ट्रीटमेंट होगा, और दो जो डायरेक्शनल वेरिएशन कॉजिंग फैक्टर थे उस केस में उसको भी अकाउंट फॉर करेगा। तो बेसिकली तीन कंपोनेंट होंगे, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रोज, कॉलम एंड ट्रीटमेंट। तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बहुत जगह यूज होता है, यदि आप इसको देखना चाहें तो बहुत जगह यूज होता है ये। जैसे आप वाटरिंग एक्सपेरिमेंट फॉर इवेल्युएशन ऑफ ड्रॉट रेजिस्टेंस ऑफ सीडलिंग्स देखना चाह रहे हैं, कि यदि हम लोग हर दिन वाटरिंग करते हैं, वीकली वाटरिंग करते हैं या मंथली वाटरिंग करते हैं, तो ड्रॉट जो हो रहा है उसके अगेंस्ट में सीडलिंग का रिस्पॉन्स क्या है, उसको भी हम लोग इवेल्युएट करते हैं थ्रू डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। हम लोग सिलेक्शन ऑफ प्रोविनेंस को देखना चाहते हैं, किस प्रोविनेंस का ग्रोथ कहाँ पे कैसा है, इसको हम लोग देखना चाहते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं, इसको भी हम लोग डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करते हैं। कंपैरिजन ऑफ डेवलपमेंटल स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन पोल्यूटेड एंड नॉन पोल्यूटेड एनवायरमेंट, या पोल्यूटेड नॉन, तो दो ही हो गया। मान लीजिए इस तरह के हमारे पास पांच एनवायरमेंट रहते हैं कि अलग अलग पॉल्यूशन का लेबल है, हम लोग उसको भी टेस्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स का यूज करते हैं। आई मीन टू से डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव, depending on the treatments and the homogeneity of experimental material, we are going to decide our experimental design. इसके बेस पे हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर आप लोगों की तरफ मुखातिब हो रहा हूँ, आप लोग के जो कोई कंसर्न है, जो इशूज है, उस पर थोड़ा सा इस पे बात करते हैं तो शायद थोड़ा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। सो आई एम कमिंग बैक टू यू। या प्लीज एनी इशूज जिसमें आप लोगों के माइंड में कुछ बॉगलिंग हो रही है, जिससे कि हम लोग कुछ डिलीबरेट कर पाए, आई विल ट्राई टू एड्रेस। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मीन्स यही है कि आप लोग अब थक गए हैं, या मतलब चीजें एकदम ही, मतलब मैंने जो बॉल फेंका वो बाउंसर हो गई। व्हाट इज दिस,
प्रियंशु क्या था ये? Are you people now bored with such a long class? That too statistics? No sir. तो कोई इश्यूज आप लोग का? No sir, correct. तो कोई बात नहीं है, मतलब जो फंडामेंटल है डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स का वो ये है कि योर इंटरेस्ट इज दैट यू वांट टू कंपेयर द वेरियस ट्रीटमेंट्स थ्रू डिजाइनिंग योर एक्सपेरिमेंट्स. डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इज बेस्ड ऑन द थ्री प्रिंसिपल्स, रेंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन एंड लोकल कंट्रोल. एंड इन दिस द कलेक्टेड डेटा इज गोइंग टू बी एनालाइज थ्रू द एनालिसिस ऑफ वेरियंस. And analysis of variance is basically the partitioning of the variance into its different components. It has certain assumptions. Assumption number one, that the data whatsoever you are collecting, that should be from normal population. The data should be independent to each other. Third, whatsoever the effect are there, the replication ka effect ho, or treatment ka effect ho, it should be additive. Ye aapas mein judne chahiye, multiplicative nahi hone chahiye. 2 प्लस 3 5 होना चाहिए, ना कि 2 इंटू 3 6 हो जाए, तब वो तब एन ऑफ फेल है. एंड देन वन मोर दैट व्हाट्स ओवर द वेरिएशन इज प्रेजेंट एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, दिस ऑल वेरिएशन शुड बी सेम. इसको बोलते हैं होमोस्टास्टिसिटी. होमोस्टास्टिसिटी का मतलब होता है कि हर पॉइंट पे वेरिएंस सेम होता है. तो ये बस इतनी सी चीजें हैं जो कि डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में आपको जानने की जरूरत है. और वर्ड ऑफ कॉशन इज दिस दैट व्हेनेवर यू आर प्लानिंग फॉर एनी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, just look at the inquiry whatsoever you are planning and look at to the treatments which you are having. Your experimental material has to be evaluated so that aap kaun se design lagana hai usko aap log apply karna hai.